तो दो बातें ज्यादा हमें दिखनी चाहिए, पैराबोला, एक तो हमें फील आनी चाहिए कि हाँ भैया कुछ इस तरीके से बनता है पैराबोला, ax square plus 2hx y plus b by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. तो this is the general equation of conic. और मतलब साहब दो बाउंड्री को जोड़ा जाए, अगर दो बाउंड्री को जोड़ा जाए तो इसी को हम कॉर्ड कहते हैं, और यही हमारे कॉर्ड का कॉन्सेप्ट है. हम जानते हैं कि जब y को x के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक बनाया जाएगा तो x की वैल्यू आएगी नहीं वहां से, क्योंकि कट ही नहीं कर रहे. हाँ भाई, हेलो हेलो, क्या हाल, कैसे हैं आप लोग, मस्त मजेदार. चलो दादा, आज की थोड़ी कहानी हमारी यहाँ ठीक ठाक सी होने वाली, और जैसा कि देखा जाए कि 11th के जो पोर्शन हैं, जितने भी कहानी है 11th के लेकर, वो अब लगभग कंप्लीट होने वाली है. राइट, आज पैराबोला के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे. तो सबसे पहले स्वागत है आपका माइंड मैप में, क्योंकि माइंड मैप है तो थोड़ा स्पीड में खींचते हैं, कई बार भावनाओं बहकर मैं थोड़ा डेप में चला जाता हूं, है ना. ठीक है, अच्छी बात है, तो लेक्चर खिंच जाता है एक्चुअली, है ना. तो दादा एक काम करते हैं, चलो फटाफट फटाफट समझते हैं कि हाँ क्या है पैराबोला और कौन कौन सी रिजल्ट, कौन कौन सी बातें हमारे लिए काम में आ सकती हैं और हमारे लिए मीनिंगफुल है. राइट, तो आइए दादा समझते हैं चीजों को एक बार. चलो साहब, हाँ देखो, ये दो तीन तरीके की बातें बेटा हमारे सिलेबस में. अगर पैराबोला की बात करी जाए तो दो तीन तरीके के पैराबोला हैं. राइट, एक जैसे बात करें हम, एक जनरल पैराबोला हो गया आपका, एक स्टैंडर्ड हो गया. अब जनरल से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि रिसेंट एक दो साल पहले मेंस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखा गया था, तो उसको कंप्लीट इग्नोर नहीं करा जा सकता. राइट, कंप्लीट इग्नोर करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा. बट हाँ, एक काम कर सकते हैं कि हमारा जो भी काम रहेगा वो स्टैंडर्ड पैराबोला के ऊपर ही रहेगा, तो उसपे हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चाएं करने वाले हैं. तो दादा ये कॉनिक सेक्शन की एक डेफिनेशन है. सर ये कॉनिक क्या होता है? कॉनिक ये समझो एक झुंड है दादा, जिसमें आपका सर्कल भी आ जाएगा, पैराबोला भी आ जाएगा, इलिप्स भी आ जाएगा, हाइपरबोला भी आ जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगी इस तरीके से. तो एक बार हल्का हल्का एक बार देख लो दादा कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है. कॉनिक सेक्शन कंप्लीट एक झुंड की तरह है, जिसमें से एक 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 टाइप की कहानी या पैराबोला के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. राइट, तो दादा इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आप इसको हमेशा याद रखना, पीएस अपॉन पीएम विच इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ई. और ई बताऊंगा मैं क्या है, कैसे क्या है, अभी फिलहाल तो रेशियो है. तो पी एक मूविंग पॉइंट है, एस एक फोकस है, इसको जनरली हम फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, इसके आगे चल के नाम इसका फोकस रख दिया गया. एक स्ट्रेट लाइन एस है, पी एक ऐसा मूविंग पॉइंट है जहां से इन दोनों डिस्टेंस का जो रेशियो है वो एक किसी एक सर्टेन वैल्यू ई के बराबर है. राइट, तो पी एस अपॉन पी एम विच इज इक्वल टू ई. दादा ये चीज हमें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, जिससे हमारा काम ठीक ठाक सा हो जाएगा. ओके, फिर ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए कॉनिक सेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में काटा गया. तो 3D में एक व्यू रखा आपके सामने कि दादा हाँ ये चारों पांच चीजें लगती कैसी हैं, ये दिखने में कैसी हैं, वाकई इनको कैसे देखा जा सकता है. तो देखो जब कॉनिक सेक्शन को एक डिफरेंट स्टाइल में काटा गया तो सर्कल ऐसा दिखेगा, है ना. अल्टीमेटली लोगों ने यार इस डमरू जैसी ज्योमेट्री पे काम किया और उन्होंने कहा कि यार जब इनको एक अलग अलग पैटर्न में काट रहे हैं, अलग अलग स्टाइल में कट कर रहे हैं प्लेन के थ्रू, तो हमें कुछ ज्योमेट्रीज मिल रही है ना, कुछ पाथ मिल रहे हैं, कुछ लोकस मिल रहे हैं, कुछ एक ऐसी चीजें मिल रही हैं जिनके बारे में स्टडी करने के ऊपर देखा जाएगा. तो दादा सर्कल एक हो गया आपका, है ना, एलिप्स आपका इस तरीके सीन हो गया, ये पैराबोला हो गया, देखो ये वाला जो दिख रहा है ये पैराबोला हो गया. राइट, ये आपका हाइपरबोला हो गया इस तरीके से, ये आपका एलिप्स हो गया जो अंडाकार ज्योमेट्री है ना. सर्कल आपका कंप्लीट जैसा होता है वैसा ही है. ठीक है दादा, तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें आपके सामने यहाँ पर रखी गई है. जनरल कॉनिक सेक्शन की जो इक्वेशन है दादा वो आपके सामने, आपको बहुत अच्छे तरीके से बता, और इसको देखकर थोड़ी सी आपको याद भी आ जाए किसी ने कहा कि, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसको देखा हुआ है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसको देखा हुआ है. तो ax स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस b by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक. ये कॉनिक सेक्शन यानी कि झुंड की इक्वेशन है, ये जिस झुंड की हम बात कर रहे हैं तो झुंड की कंप्लीट इक्वेशन है दादा. इसमें आपका है ना, इसमें आपका देखो क्या क्या आ सकता है इसमें दादा, आपका ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगा, ये सबसे अलग खेलता है, के बाद सर्कल भी आ जाएगा इसमें. राइट, उसके बाद पैराबोला भी आ जाएगा. सर ये इक्वेशन आई कहां से भैया? ये जो हमने निकाला था ना पीएस अपॉन पीएम वाली कहानी, वहीं से आई है, वहीं से आई है. उसी को सॉल्व करने पर मूविंग पॉइंट को जनरली मैंने वेरिएबल पॉइंट ले लिया, दिस इज लाइक अ वेरिएबल पॉइंट, और वहीं से पीएस डिस्टेंस फॉर्मूला पीएसपीएम करने पर ये हमारे सामने इक्वेशन आ गई है बस. ठीक है सर, इसके अंदर ना एलिप्स भी आ जाएगा. अच्छा, फिफ्थ पैराबोला भी आ जाएगा, सॉरी हाइपरबोला. तो
कोनिक सेक्शन कंप्लीट एक झुंड की इक्वेशन है, एक 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 समूह है, एक ग्रुप है। अब उस ग्रुपिंग के अंदर हम चीजों को देखेंगे। ज्यादा देखा जाए बेटा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम पढ़ चुके हैं, सर्कल को हम पढ़ चुके हैं। वैसे मैं घूमते हूँ, सर्कल कब बनेगा? सर बहुत आसान भैया, ए को बी के बराबर डाल दो, एच को जीरो ले लो, बन गया सर्कल। अच्छा, तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन यहां पर आएंगी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? सर एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ और x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट के अंदर अंडर रूट डी अपॉन समथिंग आएगा। अब क्योंकि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो रूट वाला मसाला होना ही नहीं चाहिए, तो रूट के अंदर y में क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक बनेगा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो वहां से d इक्वल टू जीरो करेंगे। तो ऐसा कुछ हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे तरीके से देखा था। आज की हमारी जो कहानी है दादा वो पैराबोला के ऊपर है, राइट। चलो अब इसके कुछ बेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है कि आप इसको कैसे कैसे क्या कह सकते हो, है ना, ये कैसे चीजें देखी जा सकती हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है। खैर, राइट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा मस्ट बी जीरो। अब ये क्या डेल्टा होता है, मैंने बताया प्रोसेस वही है क्वाड्रेटिक बनाने वाला, राइट, प्रोसेस वही है। जब उसको सोल्व करते हैं तो वहां से एक डेल्टा निकल के आता है, राइट, और इन सबके लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। फिर अलग अलग कंडीशन है। सर्कल के लिए तुम बोल सकते हो कि हाँ भैया ए इक्वल टू बी है और एच इक्वल टू जीरो है, हाँ सर ये बोला जा सकता है। पैराबोला के लिए एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी आएगा। अब ये सब कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो इनके भी बहुत अपने आप में एक अच्छी खासी कहानी है और उनको डिस्कस भी कर सकते हैं हम लोग, जो कि अपने आप में बहुत मजेदार है, टेस्टी है और ठीक ठाक से है, राइट। अच्छा दादा, इलिप्स की बात करी जाए तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी, राइट। पैरा हाइपरबोला की बात करी जाए तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। अच्छा, बिहाफ ऑफ इसेंट्रिसिटी बोला जा सकता है। पैराबोला के लिए ई जो है ना वन होता है, इलिप्स के लिए ई लेस देन वन होता है, ई हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन वन होता है। ये ई क्या है सर, मतलब ई लाइक का एक, जैसे अगर मैं आपको इलिप्स को बताऊं बेटा, तो जैसे मान के चलो देखो ये भी पैराबोला है ना, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, तो इसका जो एक हाँ सीधा आकार बढ़ रहा है ना, तो इलिप्स यहां पर जो सेंट्रिसिटी है उसके चपटेपन को डिफाइन करता है। जैसे मैं आपसे बोलूं भैया ये भी इलिप्स है, ये भी इलिप्स है, बड़ा सा ये भी इलिप्स है, तो इसका जो चपटापन है ना उसको जो डिफाइन कर रहा है, दैट इज दी सेंट्रिसिटी। अच्छा, जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि रेशियो था। चलो साहब, तो ये वही छोटी छोटी कहानी आपके सामने यहां रखी गई है, राइट, ये वही सारी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत पहले भी पता है। ठीक है दादा, ये सारी चीजें हमने पहले देखी ली अभी और मैंने तुम्हारे सामने रख भी दी। पैराबोला की बात करते हैं बेटा। अब कोई इंसान आपसे बोले कि वाकई पैराबोला है क्या, रे क्या बदतमीजी है, तो दादा पैराबोला एक लोकस है, बस एक पाथ है, एक रास्ता है जो किसी एक पॉइंट को एक सर्टेन कंडीशन के थ्रू दौड़ाने पर, मूव कराने पर बनता है। अच्छा, तो सर पाथ कंडीशन क्या है इसकी? सर कंडीशन बहुत आसान है, कंडीशन तो बहुत आसान है सर, ये लो पी एस विच इज इक्वल टू पी एम। सर P क्या है? मूविंग पॉइंट। S क्या है सर? एक फिक्स्ड पॉइंट। PM क्या है सर? अच्छा देखो ये गिवन है, दो आइटम गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ये मूविंग पॉइंट है बेटा, मतलब वेरिएबल पॉइंट। अच्छा, तो बस सर कोई इंसान आपसे बोले भाई साहब पैराबोला के बारे में बताइए, तो आप उससे क्या बोलेंगे? आप उससे दो बातें बोलेंगे, देख भाई पहले तो एक फिक्स्ड पॉइंट दे दे जो कहीं ना कहीं हमारे 2D में लाई कर रहा हो। अच्छा बेटा पैराबोला 3D का भी होता है, तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है वो, उसको पैराबोलॉइड बोलते हैं, इलिप्सॉइड बोलते हैं, इस तरीके की चीज है ना। अच्छा, तो कोई इंसान आपसे अगर बोले तो आप क्या क्या उससे बोलेंगे? आप बोलेंगे साहब ऐसा है, देखो आपको आपको साहब एक फिक्स्ड पॉइंट देना पड़ेगा और एक फिक्स्ड लाइन देनी पड़ेगी और हम आपको एक क्वेश्चन बना के देंगे, खत्म कहानी। तो दादा इस पैराबोला को दो तीन तरीके से देखा जाएगा। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन है, दिस इज द कंडीशन, इस कंडीशन के थ्रू आपके सामने इक्वेशन आएगी, राइट। हाँ तो ठीक है साहब, कुल मिला के देखा जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये सर अपने पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, रूट के अंदर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और सर पॉइंट से डिस्टेंस हम जानते हैं, अगर पॉइंट है और लाइन है तो सर ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई। ये स्ट्रेट लाइन में सर बहुत प्यार से हमने सीखा था, बहुत अच्छे तरीके से हमें याद है ये चीज। हाँ सही बात है रे, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अभी एक जनरल पैराबोला है, ये क्या है दादा? जनरल पैराबोला है। अच्छा इसकी ज्योमेट्री की बात करें, सर ये पी एस पी एम होता क्या है? तो बेटा आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, है ना, हालांकि इन्होंने दिखाई दिया है आपको, देखो लाइन है और ये पॉइंट है एस, तो मूविंग पॉइंट यहां हो सकता है पी एस पी एम बराबर, डिस्टेंस बराबर करनी है सर, पी एस पी एम बराबर, अच्छा पी एस पी एम बराबर, तो ये जो पाथ बनेगा, ये जो पाथ है, दिस पाथ इज कॉल्ड पैराबोला। तो दो बातें दादा हमें दिखनी चाहिए पैराबोला, एक तो हमें फील आनी चाहिए कि हाँ भैया कुछ इस तरीके से बनता है,
पैराबोला। सर इसने हमारे इस लाइफ में क्या एक अच्छा खासा योगदान करा? तो दादा बहुत अच्छे तरीके से पैराबोला में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी दी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के कारण आज हम जैसे हम डिस्क एंटीना होता है हमारे घरों में, जो लाइट का जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे गाड़ियों में जो लाइट होती है, वो लाइट का कॉन्सेप्ट पैराबोला की देन है। तो बहुत सारी चीजें इसने हमें दी। ब्रिज बनाने में एक अच्छा खासा इस्तेमाल होता है इसका, राइट। अच्छा तो साहब ये छोटा छोटा सीन है, छोटी छोटी इंट्रो हो गया इसका, और हाँ चीजें हो गई। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपके सामने यहां मैं रखना चाहूंगा। ओके, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा गया, वो कह रहा है भाई सर इसके बारे में क्या लगता है आपको? अरे साहब सर इसको हम बहुत चालाकी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं कह सकता हूं साहब x माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन 25, है ना? ये लो 5 कर लो चाहो तो इसको का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑल साइड। तो ये लो भैया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू मोड के अंदर 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन 5, ये लो। अब ये चीज जो है ना, ये तो बहुत अच्छे तरीके से मैं समझ में आ रही है कि सर दिस इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, 1, 0। सर x y से 1, 0 की डिस्टेंस है। हाँ अच्छा सर, अरे वाह, इस 5 को तो सर बहुत चालाकी से ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये लो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब तो बहुत ज्यादा स्वाद आ गया। तो साहब हो गया, तो दिस इज क्लियरली पैराबोला। सर ये PS है और ये PM है। अच्छा, यानी कि साहब देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन होगी सर हमारे पास 4x माइनस 3y प्लस 1, ठीक है दादा। और यहां मेरा फोकस होगा S, जिसको हम मान के चलो हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है 1, 0। ये कहीं मूविंग पॉइंट होगा P, इस तरीके से। तो PS PM बराबर हैं और सर इस तरीके से मेरा पैराबोला बनेगा। तो क्लियरली एक पैराबोला है, ठीक है। हालांकि एक जनरल पैराबोला है, तो अभी लिटिल हमारे सिलेबस में है, तो थोड़ी बहुत बातें हैं, ज्यादा नहीं है। वो भी एक छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन तुम्हारे सामने रखी गई है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा, मैं इसके कुछ टर्म्स तुम्हें बताना चाहूंगा कि हाँ कुछ टर्म्स हैं जो बहुत मजेदार हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको थोड़ी सी यहां देखनी पड़ेगी, और उन ऑब्जर्वेशन से आपको कुछ कहना पड़ेगा कि हाँ साहब ये ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जिनमें ये चीज तो दिख ही रही है यार। अच्छा साहब क्या है वो? देखो दादा, आपके पैराबोला की जो कहानी है बेटा, वो कुछ इस तरीके से बनेगी, समझना। दिस इज दी पैराबोला। अब सर आपको पाथ तो मिल गया, इस पाथ का वाकई लेनदेन क्या है? जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा है अपने आप में बहुत, हाँ मतलब दादा समझ लो उसके बिना ये कॉन्सेप्ट हिलेगा ही नहीं, है ना। हाँ तो सब ठीक, आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इस्तेमाल है। तो साहब इसको थोड़ा सा फिल्टर करने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा और गहराई में जाने की जरूरत है। तो इसके पाथ को और ज्यादा डिटेलिंग करने के लिए अब कुछ टर्म्स की, कुछ कहानी की एंट्री होती है। वो कहानी क्या है अपने आप में साहब? इस चीज को सर वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ये लो। और सर यहां हमारा फोकस होता है एस। अब मुझे नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट क्या है, मैं अल्फा कॉमा बीटा ले लेता हूं, इसको हम फोकस कहते हैं। कुछ टर्म्स हैं, कुछ कहानियां हैं जो आपको समय समय बताई जा रही हैं कि दादा ये चीजें कैसी दिखती हैं। साहब ये आपका एक्सिस होता है, हाँ, जिस पे फोकस लाई करता है, राइट। और एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर लाइन होती है बेटा, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये कुछ बातें हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं बेटा आप इसको, राइट। ओके, और सर अच्छी बात यह है कि देखो ये आपका सर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। हाँ सर, ये मैं ये भी कह सकता हूं कि लाइक अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्यू बोलूं, तो सर मैं कह सकता हूं क्यू बी हमेशा बराबर होगा वी एस के। सर क्यों? क्योंकि दादा कभी ना कभी पॉइंट तो यहां भी आएगा पी पॉइंट, तो पी एस इक्वल टू पी एम। बहुत सही बात है। अच्छा सर, इसको हम टेंजेंट एट वर्टेक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, एक ऐसी टेंजेंट जो वर्टेक्स को सिर्फ टच करके निकल रही है। तो कुछ टर्म्स हैं बेटा यहां पर। अच्छा तो सर हम ये भी कह सकते हैं कि क्यू और एस का मिड पॉइंट है वर्टेक्स। बहुत बढ़िया। अच्छा तो थोड़ी 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 कहानी तो सर हमें हल्की सी रीड हो रही है। सर इसको हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं, पी एस, ये लो, दिस इज फोकल डिस्टेंस। तो कुछ टर्म्स की एंट्री दादा मैं करवाना चाह रहा हूं, है ना। अच्छा बेटा, कोई भी एक कॉर्ड जो फोकस से पास कर रहा हो, दिस इज फोकल कॉर्ड, ये नाम है बस छोटे छोटे, दिस इज फोकल कॉर्ड। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ सर, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल या टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे, इसको हम कहते हैं बेटा एलआर, लेटस रेक्टम।
समझ रहे हो? अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ, तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हर बार हम चीजों में अच्छे तरीके से देखेंगे और वहां पर सजाने की कोशिश करेंगे, राइट। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है सर? ये स्टैंडर्ड का मीनिंग मतलब क्या है, क्या समझते हैं स्टैंडर्ड से हम? ए भाई ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, स्टैंडर्ड और जनरल में एक डिफरेंस है। देखो अल्टीमेटली पैराबोला के लिए चाहिए क्या आपको? आप सामने वाले से क्या बोलेंगे, किसी ने भैया का पैराबोला के बारे में बताओ, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी रे? आप कहेंगे साहब ऐसा है, एक तो पॉइंट दे दो और एक लाइन दे दो, खत्म। अच्छा तो बेटा यहां पर स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये हमारे सिलेबस में है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है ना, इज या आर, आर लिख लेते हैं, हाँ ठीक है आर, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड x एंड y एक्सिस और पैरेलल टू देम, पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस का मतलब क्या है दादा? कुल मिला के अब आपके सिलेबस में आपको एक लाइन समझ में आ गई कि साहब देखो पहले तो पैराबोला ऐसा भी था कि साहब अगर कोऑर्डिनेट प्लेन बताएं तो सर ये भी पैराबोला है, हाँ ये भी पैराबोला है सर, ये भी पैराबोला था, मतलब टिल टाइप का ऐसा कुछ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसने कहा कि दादा आपकी जो पैराबोला की एक्सिस है वो एक्सिस या तो एक्स एक्सिस होनी चाहिए, वाई एक्सिस होनी चाहिए या उनके पैरेलल होनी चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे बेटा देखा जाए तो देखो बहुत अच्छे तरीके से यहां पर सारे डिजाइन को बना लेते हैं, सर पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ये लोग मैंने वाई एक्सिस को एक्सिस बना दिया, सर पैराबोला ये भी हो सकता है, बहुत सही बात है, सर पैराबोला तो ये भी हो सकता है, ये भी सही बात है, पैराबोला ये भी हो सकता है, तो चार पॉसिबिलिटी तो ये हो गई सर, बिल्कुल सही बात, सर तीन चार और हो सकती हैं, अब इनके पैरेलल ले लो, पैरेलल भी ले सकते हैं सर आप, मान के चलो आपने दादा कहीं ना कहीं ऐसा लिया कि भैया हमारा जो सीन है वो इस तरीके से बनेगा इस बार, दिस इज ऑल्सो पैराबोला, ये भी पैराबोला है, हाँ साहब ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, शिफ्ट हो गया मतलब है ना, कहीं ना कहीं दादा हमने वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड पैराबोला बोलते हैं इसको, तो अल्टीमेटली उसकी जो एक्सिस है या तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर होनी चाहिए या दादा उनके पैरेलल होनी चाहिए, दैट्स ऑल, बस। अब इसमें से किसी भी एक टाइप की कहानी पे बात कर लेते हैं दादा हम, राइट, किसी भी एक टाइप की कहानी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इस बार हम इस वाले पैराबोला पे काम कर रहे हैं सर, ये एक्स एक्सिस है ना और ये वाई एक्सिस है, राइट, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हो, साहब इसको फोकस जो गिवन है 1.0 मैंने ले लिया यहां पर और दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स जो है एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, राइट भाई, दो चीजें तो आप सामने वाले से जरूर मांगेंगे, कोई इंसान अफसर आपसे पैराबोला की बात करेगा तो आपसे हमेशा दो बातें तो आप ऑलवेज बोलेंगे भैया फोकस दे दे और डायरेक्ट्रिक्स दे दे, अब मूविंग पॉइंट पी ले लो जिसके कोऑर्डिनेट वेरिएबल ले लो एक्स कॉमा वाई, तो साहब पीएस और पीएम बराबर डाल दो, आपको जो इक्वेशन मिलेगी बेटा यहां से वो ऐसी कुछ मिल जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ये लो ठीक है दादा, जिसमें बेटा ए आपका हमेशा पॉजिटिव है, इस चीज का विशेष ख्याल रहे आपको, अरे साहब ठीक है ओके। अगली कहानी जो दादा हमारे पास है, अब देखो इसको कैसे पहचानेंगे सर, हाँ इसको पहचानना बहुत आसान है कि ये कैसे पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, हमें भाई दबे हम हमारी आंखें उस डायग्राम को ना देख पाए तो मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू कैसे कहेंगे सर? हाँ इसमें दो वेरिएबल आते हैं एक्स एंड वाई, एक में क्वाड्रेटिक दूसरे में लीनियर, ये भी सही है सर, और जिसमें लीनियर है उसी एक्सिस पे उसका मुंह खुलेगा है ना, तो तीन चार टाइप के पैराबोला यहां पर आपके सामने दादा हो सकते हैं। पहला पैराबोला सबसे ज्यादा मेन पैराबोला तो यही है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं लेकिन फिर भी हमें हर तरीके की तैयारी करके चलनी है, राइट साहब। दूसरा पैराबोला हमारा हो सकता है वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स, थर्ड वन हो सकता है सर हमारे पास एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर ए वाई, राइट, और फोर्थ हो सकता है एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का फोर ए वाई, जिसमें लीनियर है उसी एक्सिस पर उसका मुंह खुलेगा भाई, जिसमें लीनियर है उसी एक्सिस पर उसका मुंह खुलेगा, ठीक है साहब। तो सर यहां बोला जा सकता है, देखो पहला आपने बना ही दिया तो सर कुल मिला के हमारे चारों पैराबोला ऐसे बन सकते हैं, एक पैराबोला ऐसे बनेगा जो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है सर, दूसरा कुछ ऐसे बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, ये भी सही है सर, तीसरे की बात करी जाए तो तीसरा कुछ ऐसे बनेगा, ये लो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, अच्छा, और सर चौथे की बात अगर रखी जाए यहां पर तो चौथा हमारा कुछ ऐसे बनेगा, तो चारों मैंने एक ही डायग्राम बनाने की कोशिश करी है ना, ठीक है दादा। अब इन चारों से क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन हाँ प्रोसेस और रिजल्ट याद रखना हल्के से, फिर आपको कहानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से सेट हो सकता है, राइट। तो आइए महाराज समझते हैं एक बार कहानी को। अच्छा
फिर मैं जैसा कि मैंने टर्म्स तो बता ही दिया कि टर्म्स रिलेटेड टू फला 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 क्या क्या टर्म्स हैं, फोकस क्या होता है ना, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, सर ये हम जान चुके हैं, ये जान चुके हैं, वर्टेक्स हमें पता है सर, फोकल डिस्टेंस पता है सर, एल आर लेटस रेक्टम है ना, एल आर जानते हो तुम दादा, ये वाला राइट जो फोकस से पास करे लाइन राइट। हाँ ठीक है साहब, हाँ सर थोड़े थोड़े आइडिया तो एक बार ले लेते हैं। हाँ देखो टर्म्स याद रखना बस है ना, उनके बीच में आपस में रिलेशन को याद रखना और चीजों को याद रखना, फिर आपको कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती है, गारंटी है। जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा गया, कह रहा भैया लेटस रेक्टम बताओ क्या होगा, सर कौन से टाइप का पैराबोला है, सर पैराबोला तो बहुत सही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 12y, सर इसमें 4 का होना जरूरी है रे, तो सजा के लिखेंगे तो साहब एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 4 × 3 × y, ये लो किधर खुलेगा रे, सर ये y एक्सिस पे खुलेगा नेगेटिव में, सर क्यों नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि बेटा मजबूरन आपको y की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी तभी LHS RHS सेटिस्फाई हो पाएंगे। अच्छा तो साहब हमारे पास जो पैराबोला आएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा राइट, बहुत छोटी कहानी है रे, x और y ओरिजिन से पास हो रहा है, करवा दिया पास, इसका एक नेक्स्ट वर्जन भी आएगा शिफ्टेड वर्जन। सर इसका फोकस क्या होगा, सर फोकस होगा a, a की वैल्यू कितनी है 3, तो फोकस होगा सर 0.3, ये लो। अब सर हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि फोकस वर्टेक्स और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तीनों एक लाइन में होते हैं और तीनों में एक रिलेशन होता है। सर यहां से 3 यूनिट पीछे देखो ये वर्टेक्स है और वर्टेक्स से 3 यूनिट पीछे सर ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये लो। हाँ तो इसके पॉइंट होंगे सर 0.3 और उसको लिखने का सबसे बढ़िया तरीका वाई इक्वल टू 3 लाइन, ये लो। तो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स राइट। डायग्राम इस पूरे चैप्टर में पूरी 2D में जो दादा गेम है ना, उस गेम को अगर आपको बहुत बढ़िया खेलना है तो आप हमेशा एक चीज याद रखना कि डायग्राम के साथ हमें बहुत अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा भाई। डायग्राम में हम अच्छा खेल गए ना तो फिर हमें कभी इश्यू आ नहीं सकता किसी प्रकार का राइट। अब ज्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं करेंगे बट ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं राइट, कि चीजें कैसे कैसे दे रखी यहां पर, क्या क्या बोला गया है। दादा एक कह रहा है कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है साहब इस पैराबोला के साथ तो दादा आप फैमिलियर हो जाओ, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए कि हाँ। और पैराबोला में और भी बहुत सारी चीज सीखने वाली, जैसे बेटा ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक है यानी एक्स एक्सिस के जैसे जिस पैटर्न में नीचे बन रहा है उसी पैटर्न में एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा ना, तो ये एक्सिस के करस्पोंडिंग सिमेट्रिक होता है, यानी हम कह सकते हैं इसकी दोनों पंख है ना, ये दोनों पंख एक दूसरे की इमेज है, यानी कि यहां पर जो पॉइंट होगा उसके जस्ट नीचे यहां पर जो पॉइंट होगा वो उसका इमेज पॉइंट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ऐसा ही है राइट। चलो साहब ये हमारा फोकस हो गया 0.0, ये हमारा वर्टेक्स हो गया 0.0, क्या बोला है उसने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इसमें, हाँ वर्टेक्स दादा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बनाया जाता है तरीके से। सर आपने इसको परपेंडिकुलर क्यों दिया, क्योंकि दादा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, वो कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स वर्टेक्स पर लाई कर रहा है जो पैराबोला का वर्टेक्स है, बाकी के दो वर्टेक्स उसकी दादा हाँ उसके पाथ पर लाई कर रहे हैं। अब सर टेढ़ा क्यों नहीं हो सकता, दादा हो ही नहीं सकता, मैंने आपको बताया था बिकॉज ऑफ सिमेट्री, टेढ़ा करेंगे तो एक वर्टेक्स को उठाएंगे दूसरा गायब हो जाएगा, एक को मैच करेंगे दूसरा गायब हो जाएगा, तो वर्टेक्स होना ही पड़ेगा दादा। तो ये 90 डिग्री हो गया, इक्विलेटरल है तो सर ये 30 डिग्री हो गया है ना, सर हो गया गेम सेट, क्या चाहिए अब उसने। हाँ ट्राइंगल की लेंथ पूछी है, लेंथ पूछी है, तो सर आप एक काम कर लेते हैं इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए एल मान लेते हैं सर, तो ये पॉइंट हो जाएगा एल कॉस 30, ये एल साइन 30 यहां डाल दो साहब, एल कॉस 30 मतलब हो गया सर अंडर रूट 3/2 × L और L sin 30 मतलब L/2। अब ये जो पॉइंट है बेटा ये पॉइंट क्लियरली पैराबोला पे लाई कराएगा, हाँ साहब अच्छी बात है, ये तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये तो क्लियरली लाई कराएगा साहब, तो L स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 4, x की जगह पर आ गया अंडर रूट 3/2 है ना और × L, ये लो यहां से आपको डायरेक्टली L की वैल्यू मिल गई राइट। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे लेकिन ठीक है दादा, हल्के हल्के से काम चलाया जा सकता है। जैसा एक स्टेप का क्वेश्चन बेटा मेंस में देखने के लिए दिया गया था इस बार, और जनरली ये एक्चुअली देखा जाए तो ये एक जनरल पैराबोला है, टिल्ड पैराबोला है, सो उसको देखते हैं एक बार। लेकिन हाँ हमें चीजें अगर याद है सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्सिस एल आर वर्टेक्स वाला वाला सारे टर्म्स निकालने हैं, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। अब सर डायरेक्ट्रिक्स देखो, डायरेक्ट्रिक्स देने का जो पैटर्न है सर, वो डायरेक्ट्रिक्स अगर ये पैरेलल होती सर आपको कैसे पता लगा कि टिल्ड पैराबोला है, क्योंकि भाई हाँ हमें आइडिया लग गया कि ये एक्स वाई दोनों के पैरेलल तो नहीं है ना, उनके ना एक्चुअली वो हैं खुद, तो ठीक है साहब। अच्छा साहब तो सर कल मिला के हमारे पास जो गेम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये लो साहब ये टिल्ड पैराबोला है, इसकी एक्सिस हो गई सर, यहां पर देखा जाए तो ये है डायरेक्ट्रिक्स जिसका नाम है एक्स प्लस वाई प्लस 1 = 0। सर स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हमें अगर याद है ना तो भी ये क्वेश्चन भी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है,
इसको भी बहुत आसानी से बहुत चतुराई से खेला जा सकता है। अच्छा साहब, फिर उसने बोला है फोकस जो है ना यहां पर एस, उसके कोऑर्डिनेट है 0.0। अब सर इक्वेशन निकालना बहुत आसान काम है, क्योंकि सर इक्वेशन के लिए तो फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, दोनों उसने दे दिए, तो ये आ गया। एक्सिस ये वाली खुद हो गई सर, एक्सिस मतलब सर हाँ ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप है -1, तो इसका स्लोप होगा 1, तो एक्सिस की इक्वेशन भी आ गई, सब कुछ आ गया। सबसे अच्छा है यहां पर LR की लेंथ निकालना, LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सर वहां पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता था वाई स्क्वायर के लिए? सर उसके लिए होता था LLR 4a, यानी 4 टाइम्स ऑफ a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a मतलब था सर वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस को हम a कहते थे, तो हो गया ना खत्म सर। तो इसकी लेंथ ऑफ LR आ जाएगा अपने पास, सबसे बढ़िया मुझे यही लगा इसमें। और इसी तरीके का क्वेश्चन मेंस में एक बार देखा गया था, सेम काइंड का है ना, अभी रिसेंटली एक दो साल पहले। ओके सर, हम जानते हैं कि ये होता है a की वैल्यू। सर हमारे पास फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, सर क्यों ना ये पूरी लेंथ निकाल ली जाए, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और उसमें 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि सर ये मिड पॉइंट होता है इन दोनों का, हाँ 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 हाँ, तो ये मिल जाएगा, तो हो गया ना सर खत्म। 4 ए की वैल्यू आ जाएगी सर, और 2 से डिवाइड कर देंगे उसमें, है ना ये लो, और 0.0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1/√2, ये आपका आंसर आ गया। कितना सही क्वेश्चन है, राइट, कितना सही कॉन्सेप्ट है। अब एक दादा चाहो तो आप शिफ्टेड पैराबोला भी देख सकते हैं ना, शिफ्टेड पैराबोला भी देख सकते हैं कि शिफ्टेड पैराबोला कैसे और कैसे काम करता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, लेकिन हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा था, शिफ्टिंग द ओरिजिन, है ना, शिफ्टिंग द ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट करना। तो यहां पर वर्टेक्स को पैराबोला जो आपके इस टाइप का पैराबोला था उसको उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, बस इतना ही अंतर है। तो कह रहा है साहब एक पैराबोला आपके सामने है इस तरीके से, सर आप कैसे पहचानेंगे पैराबोला है? बिल्कुल पहचान लेंगे साहब, क्योंकि एक में क्वाड्रेटिक है दूसरे में लीनियर है। तो साहब अच्छे तरीके से देखें तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4 ऐड कर देते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, यहां पर कर देते हैं 4x प्लस 4। ये लो साहब, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, राइट, और विच इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लो, ये x प्लस 1 हो गया। अच्छा, यानी कि सब देखो वर्टेक्स जो हमारे पास है, वर्टेक्स एक डायग्राम बना लेंगे बहुत अच्छे तरीके बात बन जाएगी, वर्टेक्स -1, 2, हाँ सही बात है सब, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। अब सर हो गया गेम सेट, हो गया सेट, ये लो अब तो तुम बहुत आसानी से सब कुछ बता सकते हैं, डायग्राम बना लो। सर ये कौन से टाइप का पैराबोला है? सर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब ये हाँ कुछ इस टाइप का पैराबोला है, ये टाइप का पैराबोला है। तो सर -1, 2 यहां पर कहीं होगा, है ना, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये लो साहब, ये लो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब जो भी है, ठीक है, ये लो मतलब ठीक है, बनने को थोड़ा अजीब सा बनेगा लेकिन ठीक है दादा। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ये इसकी एक्सिस होगी, राइट, सब कुछ आप निकाल सकते हैं रे। सर ये वर्टेक्स है अपने पास -1, 2, राइट, सर ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी वर्टेक्स से 1 यूनिट आगे सर ये फोकस होगा, हाँ अच्छा ऐसा ही था, तो सर ये 0.2 फोकस होगा। सर 1 यूनिट पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगा यहां पर, वो कौन सा पॉइंट होगा? सर वो होगा -2, 2, कितना बढ़िया, दिस इज द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ तो तुम्हारे सामने अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है, क्या क्या चाहिए सब कुछ सारी चीजें आ गई। तो शिफ्टेड वर्टेक्स, शिफ्टेड पैराबोला भी अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेन है तो डायग्राम के साथ खेलना, उनकी चीजों के साथ अपने आप में फैमिलियर बनाना, राइट, ओके। अब 100 क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं, बट मैं सोच रहा हूं कि कम समय में गेम सेट हो जाए अपना, तो चीजें हमारी थोड़ी सी सेट हो सकती हैं। जैसे एक क्वेश्चन बेटा मेंस का ही क्वेश्चन है, और कैसे इसको देखा जा सकता है एक बार देखें आप फटाफट। साहब इसने बोला है कि आपको ये बताना है कि आप देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला लाई अलोंग एक्स एक्सिस, ये तो अच्छी बात है, हम खुश हो गए कि साहब एक्सिस जो पैराबोला की एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, तो पैराबोला का मुंह या तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव तरफ खुलेगा या नेगेटिव के तरफ खुलेगा। सर ये पैराबोला सुन के हमें क्वाड्रेटिक की भी याद आ रही है, हाँ वो भी एक टाइप का पैराबोला होता है, राइट, अच्छा साहब ठीक है। तो चीजें सर सेट है, वो कह रहा है कि साहब अल्टीमेटली कौन सा पॉइंट पैराबोला पे लाई नहीं करेगा, तो सर ये तभी पता लगेगा हमें, यानी कि वो दादा कह रहा है कौन सा इनमें से पॉइंट गिवन पॉइंट पाथ के ऊपर नहीं होगा। सर इसको हम तभी बेहतरीन ढंग से बता सकते हैं जब हमारे पास इक्वेशन होगी, और अगर इक्वेशन नहीं है महाराज तो बोलना मुश्किल है रे, ए तुम समझता नहीं है रे बात को,
तो सर ठीक है, इसको भी हम डील कर सकते हैं सर। उसने क्योंकि बोला है कि हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पर है, तो पैराबोला या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस पर ही मूव कर रहा है वो। फिर उसने कहा इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर डिस्टेंस 2 यूनिट एंड 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अरे साहब ये तो हो गया सेट, ये तो पिद्दी आइटम निकला रे, है ना। तो अब यहां से 2 यूनिट आगे इसके वर्टेक्स हैं, ये लो, तो वर्टेक्स हो गए साहब 2.0। सर फोकस है इसके 4.0, ये लो, राइट। अब तो सर क्या ही बच गया यहां पर, तो व्हाट इज द इक्वेशन सर, इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितनी है सर, फोकस से वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है उसको a बोलते हैं, जो कि 2 होगी। अरे वाह, और x माइनस 2, दिस इज द इक्वेशन, यानी कि y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8x-2। और कितनी चालाकी से दादा आप चेक कर सकते हैं पॉइंट को सेटिस्फाई करवा करवा के, कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करवा रहा है। जैसे हम मान के चलो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -4 डालें तो कुछ मिलेगा, 4 डाला दादा तो 4 - 2 = 4 = 16। हाँ, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसके ऊपर है, लेकिन उसने पूछा है कौन सा नहीं कर रहा लाई। तो अल्टीमेटली देखो आपने इक्वेशन निकाली और कितना बेहतरीन ढंग से आंसर बताने की एक बार हिम्मत दिखा दी कि हाँ साहब इसके आंसर्स की तरफ कैसे मूव करा जा सकता है। अच्छा हाँ, यही गेम है महाराज। राइट, फिर एक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और जिनको तुम बड़ी चालाकी के साथ चीजों में देख सकते हैं। राइट, तो दिस इज योर डीजे, एक बार ट्राई करें घर पे। राइट, ये जेई का क्वेश्चन है, एडवांस का 2015 का। क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है दादा, गेम छोटा है, इसके टर्म्स, इसके रिलेशन, कि पैराबोला के फोकस और वर्टेक्स में क्या रिलेशन है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में क्या रिलेशन है, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स में क्या रिलेशन है, दो चार चीजें अगर आपको याद है ना तो क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे, है ना, फिर आप कहानी को बहुत अच्छे तरीके से खींच ले जाओगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। सर थोड़ा सा इसको सजा लिया जाए, हाँ बिल्कुल सजा लो साहब। तो 4 × 2 × y, सर ये y के पॉजिटिव की तरफ खुलेगा मुंह, इसका इस तरीके से खुलना चाहिए, हाँ साहब बिल्कुल। ये लो दादा, ये बन गया पैराबोला आपका। राइट, अब क्या बोला है इसने, वो कह रहा है दादा एक पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट OQ, दिस इज O, और वो इज द वर्टेक्स Q इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। ठीक है साहब, Q कोई भी एक पॉइंट मैंने लिया यहां पर, दिस इज पॉइंट Q। अच्छा, और लाइन सेगमेंट OQ इंटरनल डिवाइड द रेशियो 1:0.P। हाँ साहब, वो कह रहा है कि पॉइंट पी इस तरीके से है कुछ, यहां पर एक पॉइंट पी है जो इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो पी का लोकस बताओ। ठीक है साहब, ऐसे ऐसे तो बहुत सारी कोण बनाए जा सकते हैं, नॉर्मल कोण। हाँ ठीक है साहब, तो कुल मिला के पैराबोला का एक और वर्जन है अपने आप में, वो क्या है सर, पॉइंट क्यू को अगर मैं लेट करूं तो क्या लेट करेंगे सर, एक्स की वैल्यू टी लेट कर लेते हैं, वाई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास t²/8, ये लो। अब साहब सेक्शन फॉर्म लगा देंगे, P की वैल्यू H के डाल देंगे, अपने पास बात बनती दिखेगी मुझे बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो सर t, t²/8, ये लो, राइट। पॉइंट P, इसको सर x, y मान लेते हैं क्योंकि आंसर उसी में आ रहा है, क्योंकि लोकस पूछा, हालांकि H के मानना चाहिए लेकिन ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 और 3, सर 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई टी के साथ, तो साहब ये हो जाएगा t/4 = x, है ना, एंड। राइट साहब, 3 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई, तो साहब ये आ गया t²/8/4, 4 मतलब नीचे 4 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू y। अब सर यहां से t को एलिमिनेट करना दुनिया का सबसे आसान काम है ना, t को एलिमिनेट करना दुनिया का सबसे आसान काम, तो t की वैल्यू 4x आ गया, यहां डाल दो 4x, तो ये हो जाएगा 16x²/8×4 विच इज इक्वल टू y। राइट, इससे दादा ये दो बार कट गया है ना, और इससे ये कट गया अपने पास 2 times, तो x² = आ गया 2y, ऐसा कुछ आ गया। राइट, देखो कितना बढ़िया, अच्छा सा क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मल तरीके से हो गया, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं आई, हल्के तरीके से गेम खेला और गेम सेट हो गया, समझ रहे हो गुरु। अच्छा, किसी पैराबोला की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट है ना, ये बहुत एक ट्रेंड वाली कहानी, जो आपने बहुत पहले भी कई बार इसको देखा हुआ है कि साहब आपके पास अगर कोई पैराबोला दिया है इस तरीके से, तो कोई पॉइंट हाँ पैराबोला पे हो सकता है, अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, तो साहब पैराबोला का नाम फिर से वही रखा जाएगा, सरफेस यानी कि s, y²-4ax, पैराबोला कैसा ही हो ध्यान रखना, बस क्वाड्रेटिक माइनस लीनियर करना, क्वाड्रेटिक माइनस लीनियर, बस ये याद रखना, सेम वही गेम है बेटा, है ना। sp या s1 कह लो या sp कह लो, sp की वैल्यू अगर 0 है तो पैराबोला पर है पॉइंट, कोई भी गिवन पॉइंट, sp बेटा अगर आपका नेगेटिव है तो पैराबोला के अंदर है, sp अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला के बाहर है। ये बहुत छोटी कहानी है अपने आप में, और इसको हाँ तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हो, ठीक है दादा, और इसको बहुत अच्छे तरीके देख भी, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है 3.4 कहां लाई कर रहा है, तो साहब y²-4ax, दिस इज
y square minus 4x which is equal to s, है ना। तब बात करते हैं sp की, sp कितना हो जाएगा रे, y मतलब 16 माइनस का 12 जो कि पॉजिटिव है, यानी कि पॉइंट आउटसाइड होगा। जब इसका डायग्राम तुम बनाओगे, एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे दादा, तो ये पॉइंट आउटसाइड होगा, 3.4 यहां कहीं बैठा होगा, समझ रहे हो। तो हाँ, ये अपने आप में एक छोटी कहानी है, इसको सॉल्व करने का एक अच्छे तरीके से देखने का बहुत सारे अप्रोच हैं, जो बहुत तरीके में पता है, डिटेलिंग यहां पर नहीं कर सकते क्योंकि डिटेलिंग करने से थोड़ा सा हमारा टाइम और बढ़ जाएगा। राइट महाराज, ओके। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, अब ये क्या बदतमीजी यार, हाँ ये बदतमीजी नहीं है एक्चुअली अपने आप में, ये थोड़ी सही कहानी है। पैरामेट्रिक का मतलब होता है दादा कि आपको जरूरत के हिसाब से चीजों को सेट करना। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं कि अपने पास एक पॉइंट है वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax, दिस इज अ पैराबोला। हाँ ठीक है साहब, ये एक पैराबोला है, राइट। सर यहां पर अगर मुझे कल को कोई पॉइंट फ्यूचर में लेट करना पड़ गया, मैंने कहा भैया मुझे पैराबोला पर एक पॉइंट लेट करना चाहता हूं फ्यूचर में, तो आप क्या लेट करेंगे? सर अब तक की हमारी जो आदतें थी वो ऐसी थी कि सर हम ऐसा लेट करते थे x1 y1, हाँ ऐसा याद है, हाँ याद है ना सर। फिर बाद में लेकिन आपको यह भी बोलना पड़ेगा कि x1 y1 पैराबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करवाएगा, हाँ ये भी सही बात है सर, ऐसा ही करते थे। लेकिन दादा वो कुछ लोगों ने कहा कि यार इतनी मेहनत मत करो, आप नॉर्मल ऐसा करो, ऐसा पॉइंट लो जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो। जैसे बेटा आपने x की वैल्यू t ली, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर y की वैल्यू आ जाएगी 4at और रूट के अंदर। अब ये रूट थोड़ा देखने में अच्छा है, हालांकि ये भी एक पॉइंट है, ये भी अपने आप में एक पैराबोला है, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा यार। अच्छा लग रहा है सर? रूट राट अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा ऐसा लो। सर फिर मैंने एक्स की वैल्यू सर मान के चलो यहां पर 80 स्क्वायर ले ली, तब तो देखो वाई 280 आ जाएगा। तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है और मजेदार है, तो दिस इज ऑल्सो अ पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ पैराबोला। जब कल को मैं पैरामेट्रिक लेट करना चाहूंगा पैराबोला के पाथ पर, अगर मुझे कल को फ्यूचर में एक पॉइंट लेट करना पड़ेगा तो मैं ऐसा लेट करूंगा। और एक और अच्छी बात बेटा, किसी इंसान ने अगर आपको देखो 80 स्क्वायर 280 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट, ये है तो पॉइंट। सर कैसे पॉइंट लगा आपको? क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज को पॉइंट कहते हैं, हाँ। लेकिन दादा अच्छी बात यह है कि ये पैराबोला भी है। तो देखो कोई इंसान आपसे धरती बोले कि भाई साहब पैराबोला को पॉइंट की फॉर्म में लिख के दिखाओ, पैराबोला को पॉइंट की फॉर्म में लिख के दिखाओ, सर बहुत आसानी से लिख देंगे, ये लो आपके सामने पड़ा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ ये बात सही है सर, और चीजें यहां थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं, थोड़ी सी मजेदार हो सकती हैं और थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है, राइट। तो साहब ये पैरामेट्रिक की कहानी है जो कि अपने आप में थोड़ी सी ठीक ठाक है। अब सर आपने ये सबके लिए सेम रहेगा? नहीं बेटा, इस पैराबोला के लिए रहेगा, है ना, सबके लिए अलग अलग रहेगा, हुआ ना, सबके लिए अलग अलग रहेगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये रखा गया x square equal to 4ay, तो आप किसको कैसे देखेंगे? सर इस बार ऐसा लेते हैं, जैसे इस बार आपने y की वैल्यू ले ली 80 स्क्वायर, ये लो देखो 80 स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर t स्क्वायर, तो x आ जाएगा 280। हाँ ऐसा, तो जरूरी नहीं है सबके लिए सेम, देखो यहां थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया आपस में। अच्छा ठीक है साहब, ओके 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 ओके। अब एक क्वेश्चन देखो यहां रखा गया छोटा सा, एक क्वेश्चन को थोड़ा देख लो दादा कि कैसे क्या। ये भी एक आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, एडवांस का, है ना, और समझते हैं कि हाँ कहानी को कैसे खींचा जा सकता है और कैसे इसको देखा जा सकता है। तो महाराज उसने कहा लेट एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला वही दिया जिसके बारे में हमें जानकारी है। मैं जनरली इस साल भी 2023 में भी क्वेश्चन आया था, पैराबोला आपको बार बार वही देगा, वो उसी पैराबोला पे ज्यादा मेहनत करवाना चाहेगा आपसे, राइट। तो पैराबोला वही है सर जो हमें पता है एक्चुअली, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। और इसकी अगर डायग्राम की बात करें सर, तो थोड़ा डायग्राम भी बना सकते हैं सर इसका, तो हम राइट ये लो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा कुछ। सर ये हमारा फोकस है एस, जिसके पॉइंट होंगे यहाँ पर लाइक 2.0, ठीक है महाराज। दिस इज वॉट एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है। अब क्या बोल रहा है सर आपसे? वो कह रहा है एक सर्कल है आपका, हाँ, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जिसके सेंटर है 1.2 और रेडियस है √5। ओके, ठीक है सर। और फिर वो कह रहा है दादा पीक्यू एंड पीक्यू विद अ कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अच्छा पीक्यू कॉमन कॉर्ड है जो सर्कल और पैराबोला की है ना। तो S आपको पता है, ट्रायंगल का एरिया पूछा है PQS का, ठीक है साहब। सर इसको थोड़ा सा तो हम देख ही सकते हैं। देखो साहब कुल मिला के कहानी ये हो गई, पॉइंट है इसके वर्टेक्स है 1.2,
एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू टू, यहाँ पर कहीं जो कि अंदर ही होगा। सर आपको कैसे पता लगा? मैंने डाला, यहाँ डाला टू का स्क्वायर, हाँ ठीक है सर, वन कॉमा टू यहाँ पर कहीं होगा इस तरीके से, है ना, एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू टू। तो साहब ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, सॉरी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा क्योंकि ओरिजिन से ही पास हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये साहब आपका डायग्राम बन गया, ऐसे थोड़ा सा सर्कल आपका ऐसा बन गया। और हाँ, अब उसने कहा है कि इन दोनों का जो कॉमन कॉर्ड है ना वो PQ है, जो कॉमन कॉर्ड है वो PQ है। अब कॉमन कॉर्ड कैसे होगा रे, कैसे उसको आप देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर कॉमन कॉर्ड के लिए दो बातें हैं, अब हमें कैसे पता लगेगा? सर हम डायग्राम ना बनाए तो मत बनाओ डायग्राम, तो भी आप कर सकते हो। देखो सर्कल और पैराबोला आपस में कट कर रहे हैं, तो साहब देखा जाए तो सर एक ही कॉमन कॉर्ड मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है, ये वाला देख लो साहब, अच्छा। तो कुल मिलाकर सर ऐसा होगा, फिर ये पॉइंट P है, ये Q है भाई, अभी डायग्राम से तो ऐसा ही दिख रहा है, डायग्राम से तो ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन सर Q के पॉइंट कैसे निकाले हम? भैया Q के पॉइंट तो तुम बहुत नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो। सर कैसे भाई? इसको देखो एक बार, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, है ना, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जितनी वैल्यू आएंगी पता लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 8x माइनस का 2x विच इज इक्वल टू 4y, ये लो साहब, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x विच इज इक्वल टू 4y, राइट, x कॉमन ले लो तो x प्लस 6 आ गया यहाँ पर विच इज इक्वल टू 4y, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और x प्लस 6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 इंटू वाई स्क्वायर की जगह फिर से आ जाएगा 8x, ठीक है। अब देखो हाँ, x से दादा ये x एक कट गया तो यहाँ पर x आ जाएगा और x प्लस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट, विच इज इक्वल टू 128। अब ये x में क्यूबिक बन गई, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सिंपल अप्रोच क्या है? सिंपल अप्रोच सर कि हाँ हिट एंड ट्रायल ही होगा, अभी हमारे इस 12th लेवल पर तो हिट एंड ट्रायल ही है, बाकी का फ्यूचर में तो आप बहुत सारे तरीके हैं, जब आप थोड़ा सा हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो वहां चीजें बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन अभी हिट एंड ट्रायल है, तो एक्स की वैल्यू ऐसी सोचो जो इसको काम कर जाए। तो साहब एक्स की वैल्यू सर हमने अगर 2 ले ली तो मुझे लगता है काम चल रहा है। देखो 6 2 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2 128, भाई यार ये तो काम कर गया यार। तो सर x की वैल्यू एक 2 मिल रही है, और अच्छी बात यह है कि जब उसको सॉल्व करेंगे तो बाकी की x की वैल्यू मिलेंगी नहीं, तो x की वैल्यू सर ये 2 आ गई, तो एक पॉइंट होगा x का 2 और 2 यहां डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, ये लो साहब ये ओरिजन है 0,0। देखो कितना बढ़िया सज के आ गया। अब क्या पूछा है तुमसे? एरिया पूछा है, तीनों का एरिया आपसे पूछा गया है। और अच्छी बात यह है कि सर 2 हां इसकी सीध में ही कहीं होगा, 2 इसकी कहीं सीध में होगा, y की वैल्यू 0, अच्छा सीध में क्या सर यही लाई करेगा, इससे पास होगा। देखो देखा जाए तो फोकस हमारा यहां पर कहीं होना चाहिए, अच्छी बात यह है, डायग्राम से पूरा पता लग गया सर, ये फोकस है हमारा 2,0, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो देखो कितना बढ़िया सज के आ गया। तो व्हाट इज द एरिया? सर एरिया हमारे पास होना चाहिए हाफ बेस, बेस मतलब ये लेंथ कितनी है पीएस 2, हाइट दादा ये लेंथ कितनी है ऊपर 4, ये लो है ना, तो विच इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट हमारा ये एरिया आ गया। देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, बड़ी चालाकी से, बड़ी और एक सुंदर कॉन्सेप्ट के साथ आपने डील किया, और आपकी बात भी बहुत अच्छे तरीके से बन गई, और स्वाद आ गया रे हाँ कि साहब इस क्वेश्चन को कम से कम हमने चीजों को देख लिया कि ये क्या क्या कहना चाहता है और किस तरीके से इसकी कहानी है, राइट, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट कहानी आपकी आती है कॉर्ड ऑफ पैराबोला। कॉर्ड जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, कॉर्ड का मतलब तुम क्या समझते हो, क्या होता है कॉर्ड? तो ठीक है साहब, कॉर्ड मतलब साहब दो बाउंड्री को जोड़ा जाए, अगर दो बाउंड्री को जोड़ा जाए तो इसी को हम कॉर्ड कहते हैं, और यही हमारे कॉर्ड का कॉन्सेप्ट है। सर दो पॉइंट अगर लेट करेंगे तो कैसे लेट करेंगे पैराबोला पे? सर ए टी वन स्क्वायर और 2a t1, नॉर्मल इतना याद रखो, है ना, अभी हालांकि इसकी आवश्यकता ज्यादा है नहीं किसी भी चीज की याद, तो हमें तो मिनिमम से काम चलाना है, ठीक है दादा, ओके। हमारा जो गेम है बेटा वो हमारे लिए थोड़ा सा मजेदार है, ये वाला गेम फोकल कॉर्ड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकल कॉर्ड? सर ये फोकल कॉर्ड क्या होता है? फोकस से पास होने वाले कॉर्ड, फोकस से पास होने वाला कॉर्ड, तो उसमें एक अच्छा खासा रिलेशन है बेटा, है ना। जैसे अगर तुम मान के चलो पैराबोला आपको दिया है इस तरीके से कुछ, ये पैराबोला आपके सामने रखा गया है और ये है आपका फोकस एस, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, और इसके कोऑर्डिनेट बेटा आप ले रहे हैं ए टी वन स्क्वायर, है ना, ए टी वन स्क्वायर और 2a t1 अलग अलग ही लेंगे। सर ये हो जाएगा ए टी टू स्क्वायर 2a t2। अगर ये फोकल कॉर्ड है ना सर, तो T1 T2 में एक रिलेशन होता है, T1 T2 इक्वल टू -1, बस
तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इससे हमारी कहानी और अच्छी हो जाएगी और सुंदर कहानी यहां से निकल के आ सकती है। ठीक है सर, ओके। फिर उसने और भी बहुत सारी चीजें बोली आपसे, जैसे उसने कहा है कि साहब लेंथ ऑफ कॉर्ड हैविंग पैरामीटर दिस, ये होगा आपके सामने, है ना, इस तरीके से रखा जाएगा कुछ T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर ऐसा, और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी हम जानते हैं साहब। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं कुछ जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा बार बार कि मिनिमम डेटा के साथ जीवन जीना स्टार्ट करें, वो ज्यादा अच्छा होता है। ये रिजल्ट अपने आप में इसको याद कर सकते हैं बेटा, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है अपने आप में, है ना, थोड़ा सा सही रिजल्ट है इसको आप देखेंगे। क्या है सर ये महाराज, इसका मतलब ये है कि आपको जो पैराबोला दिया गया है y² = 4ax, तब ये आपका कॉर्ड था, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, और सर ये फोकस था S। अगर ये एंगल अल्फा x एक्सिस से बना रहा है तो PQ की जो लेंथ है, हालांकि इसका प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा, PQ की जो लेंथ है बेटा, है ना, जो फोकल कॉर्ड की लेंथ है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ which is equal to 4a cosec square alpha, इसको आप याद कर सकते हैं in terms of alpha also। हालांकि जो समझदार बच्चे हैं वो उसको डायग्राम बना के और नॉर्मल तरीके से भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, नॉर्मल तरीके से भी गेम सेट हो सकता है महाराज। ठीक है, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ ठीक है भाई, क्वेश्चन काश्चन ज्यादा नहीं कर सकते, क्या कर सकते, मजबूरी है क्योंकि अब लेक्चर एक्चुअली खींच रहा है थोड़ा सा, है ना। ठीक है, लाइन लाइन मतलब दादा टेंजेंट, है ना, वही सेम गेम है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन और पैराबोला में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, वही सर तीन चार बातें कि पैराबोला और लाइन नॉर्मल ऐसे हो सकती है, है ना, पैराबोला और लाइन सर हो सकता है टच करके निकल जाए, सर लाइन और पैराबोला हो सकता है कट कर जाएं, तो लाइन और पैराबोला, पैराबोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक में लीनियर दूसरे में क्वाड्रेटिक, और स्ट्रेट लाइन दो लीनियर फंक्शन में एक रिलेशन है, तो सर हाँ कुल मिला के वही सेम गेम है सर, अगर ये आपस में दूर है तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि दोनों को जब साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा ना नेगेटिव आएगा। सर डिस्क्रिमिनेंट कैसे, क्योंकि दादा हम जानते हैं कि जब वाई को एक्स के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक बनाया जाएगा तो एक्स की वैल्यू आएगी नहीं वहां से, क्योंकि कट ही नहीं कर रहे, कट नहीं कर रहे तो एक्स नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा तो मैथमेटिक्स के समझदार लोग उसको कहते हैं कि भैया डिस्क्रिमिनेंट को ना जीरो से कम ले लो आप। सर यहां पर थोड़ा सा मजेदार गेम है डी इक्वल टू जीरो, और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि टेंजेंट का केस है यहां पर, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इसी पर खेला गया है और यहीं से ज्यादा क्वेश्चंस की आशंका है कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, राइट। यहां पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, ये बहुत क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है कि भाई साहब आप ना लाइन और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और गेम खेलो यार, है ना, कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी चीजें देखी जा रही है, कितने आपके सामने कॉन्सेप्ट रखे जा रहे हैं, वही छोटा छोटा समझदारी है। अब इसमें बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कहानी है सॉल्व करने की, लेकिन दादा मैं आपसे कहूंगा जैसे ये y² = मान के चलो बेटा 4ax है, y² = 4ax, और ये लाइन है अगर बेटा y = mx + c, है ना, तो जब तुम y की वैल्यू यहां डालेंगे और d इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपको डायरेक्टली c में एक रिलेशन मिलेगा a बाई m, इसको कई बार हम चलो फॉर्म c को फिर डाल देंगे बेटा तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी यहां पर y = mx + a / m, तो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसे कल को फ्यूचर में आपको टेंजेंट की इक्वेशन लेट करनी पड़ी और पैराबोला ये वाला दिया है तो आप इस तरीके से लेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा कि दादा फ्यूचर में कभी फंस गए तो d इक्वल टू जीरो का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, क्योंकि वही आपको बचा सकता है, वही आपके लिए मीनिंगफुल है, वही आपके लिए स्वादिष्ट है, और उससे दादा थोड़ा थोड़ा खेलते खेलते चीजों में हम बहुत बेहतरीन और एक मजेदार गेम अपने आप में दिखा सकते हैं, राइट। जैसे देखो ये क्वेश्चन अब दो तीन तरीके से रखा जा सकता है, कह रहा भाई साहब इस लाइन के बारे में बताइए कि पैराबोला है कि नहीं है, अब तुम्हें कंडीशन याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो भी कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है, देखो y की जगह x+1 डाल दो तो साहब x+1 का होल स्क्वायर, हमें तो d इक्वल टू जीरो का कॉन्सेप्ट पता है, उसी से खेलो आप, तो साहब ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर माइनस का 4x विच इज इक्वल टू जीरो, और इसको तो हम जानते हैं साहब ये तो x-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी जो क्वाड्रेटिक थी वो परफेक्ट स्क्वायर बन गई, कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बन गई, यानी उसके रूट दोनों रिपीटेड रूट आ गए, एक वन दूसरा भी वन, तो इसका मतलब क्या है, हाँ d इक्वल टू जीरो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके सेट हो गया, क्लियरली दिस लाइन एंड पैराबोला touches to each other,
किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पर टच कर रही है, ये कंफर्म हो गया। नहीं सर हम तो फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे, चले जाओ फॉर्मूला के थ्रू। सर फॉर्मूला के थ्रू कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी इक्वल टू ए बाई एम। सी क्या था सर? सी था वन, ये लो। ए क्या था? वन। एम क्या है सर? वन। तो वन इक्वल टू वन प्रूफ हो गया। हेंस दिस इज द क्लियरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि आपस में एक टेंजेंट है पैराबोला के साथ। मैं फिर से वही कहना चाहूंगा दादा, प्रोसेस याद रखना, इस कॉन्सेप्ट में अपने आप को बहुत सेव करना, आपको चीजों को खींचना है तो प्रोसेस के थ्रू जाना आप, प्रोसेस ये वाला रहा, राइट? ओके। हालांकि वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, कैसे कैसे काम चलता है, चीजें तुम्हारे सामने फिर भी रख दी गई हैं और एक बार आइडिया आपको दे दिया गया है ना चीजें के सामने के कैसे कैसे गेम चल सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना चाहें जरूर कि कैसे काम चलेगा इनमें। अब दादा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, एक एक बेटा एक एक स्टैंडर्ड रिजल्ट सर्कल से चला आ रहा है और आपको याद होगा कि व्हेन पॉइंट लाई ऑन द कर्व, है ना, व्हेन पॉइंट लाई ऑन कॉनिक, ये चीज मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके पता होगी। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ ये तो सर हल्का सा तो आइडिया है हमें एक्चुअली, टी इक्वल टू जीरो कैसे निकालते थे बेटा आप इसको? सर हमें पता है कि हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते थे एक्स इंटू एक्स वन से, याद है क्या? तो ये प्रोसेस याद रखना आप, एक्स इंटू एक्स वन से अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन है जो कर्व के ऊपर है, और कर्व कुछ भी हो सकता है रे, कोई भी कॉनिक हो, इस सब में काम करेगा। अच्छा वाई स्क्वायर को सर हम रिप्लेस करते थे वाई इंटू वाई वन से, हाँ याद है साहब। सर एक्स को रिप्लेस करते थे एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू से, y को रिप्लेस करते थे y प्लस वाई वन अपॉन टू से, है ना, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट ही छोड़ देते हैं। तो ये एक प्रोसेस मुझे लगता है आपको शायद याद करना चाहिए। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने पैराबोला है बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और बेटा इसके ऊपर जो पॉइंट है वो 80 स्क्वायर और 280 ये लाई कर रहा है, हाँ बाकी लाई कर रहा है। तो व्हाट इज द इक्वेशन? सर इक्वेशन हो जाएगी इसकी, y को रिप्लेस करो y इंटू वाई वन, वाई वन मतलब 280 देखो विच इज इक्वल टू 4, x को रिप्लेस करो x प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। हाँ हल्का सा तो याद है सर हमें, ऐसे ही तो गेम खेलते थे हम। तो साहब इससे 2 टाइम्स कट गया, 2a से 2a कट गया, तो सर ये आ गया टी वाई विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये क्या है रे महाराज? सर दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, व्हेन पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला, अगर कोई भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो भी हम इस सिंपल प्रोसेस के थ्रू टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में चर्चाएं कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको बोलते हैं बेटा जो पीछे हमारा निकल गया उसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। वही छोटी छोटी चीजें देखो, ये आ गया ना जो मैं बोल रहा था, रटने की आवश्यकता नहीं है रे, रटने बटने का नाटक नहीं है, हल्के हल्के से गेम खेलेंगे तो भी काम हमारा अच्छे तरीके सेट हो सकता है, राइट? आइए महाराज एक बार चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। स्लोप फॉर्म सर ये तो देख ही चुके हम पहले, एक बार ये तो हम देख ही चुके हैं कि ये कैसे काम कर रहा है स्लोप फॉर्म, ठीक है साहब, ठीक है साहब, लेकिन ये सर्टेन पैराबोला के लिए काम कर रहा है बस, उससे ज्यादा काम नहीं करेगा, राइट? उससे ज्यादा काम नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप देख सकते हैं कि कैसे, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो हमारा जो स्लोप फॉर्म होगा वो इस तरीके से यहां पर कुछ ऐसा होगा, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो महाराज ये कुछ ऐसे होगा y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, है ना, आया वहीं से, आए ये वहीं से आया बेटा, वहीं से आया d इक्वल टू 0 से। तो कोई बहुत ज्यादा खास घबराने की आवश्यकता नहीं है, भूल गए ना सब कुछ, तब भी क्वेश्चन बहुत प्यार से डील करा जा सकता है। और यही नियम है, यही कॉन्सेप्ट है, यही कहानी है। ओके ठीक है साहब, कह रहा है दादा बताइए इसके बारे में, एम की वैल्यू बताओ कि ये टेंजेंट है। सर सब कुछ भूल गए तो भी हो जाएगा, और नहीं भूले तो भी हम गेम खेल सकते हैं, तो भी हम सर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का जो गेम है वहां लगाया जाए क्या? तो वो भी लगा लो। अब तुम्हें लग रहा है कि यार हम भूल भाल गए सर, हमें रिजल्ट याद नहीं आ रहा, तो दादा नॉर्मल गेम खेलो ना यार, इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, किसमें आसान रहेगा? सर एक्स बना लो, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम माइनस 3y, इस आइटम को इधर डाल दो तो सब वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 7m और प्लस का 21y, है ना, तब ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर माइनस का 21y और प्लस का 7m विच इज इक्वल टू 0। सर अगर ये टेंजेंट है ना तो y की एक ही वैल्यू मिलेगी सर यहां पर, तो कंफर्म d इक्वल टू 0। सर हम तो x बनाते हैं क्वाड्रेटिक, यार उसमें बनाओ जिसमें आपको आसानी लगे, जिसमें लगे कि इसमें मेहनत कम है, उसी से गेम खेलो। अच्छा तो d b स्क्वायर इक्वल टू 4ac,
बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी है ना, b कितना है सर 21 का स्क्वायर, तो 21 को लिख लो 21 इंटू 21 दो बार, विच इज इक्वल टू 4, a कितना है सर 1 और c कितना है 7m, ये लो है ना सर, 7 से एक कट गया 3 बार राइट, तो m की वैल्यू आ गई 21 तिया 63 बटा 4, देखो कितना आसान है, मत करो कंडीशन याद, एक गोली मारो सारी कंडीशन को, नहीं नॉर्मल तरीके से भी गेम खेला जा सकता है, लेकिन दादा हाँ ये भी थोड़ा सा सच है कि मिनिमम मिनिमम चीजें तो आप याद करके चलो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ ये प्रोसेस लेंथी हो जाता है, हालांकि ये प्रोसेस आपको जिंदगी भर बचा ले जाएगा, लेकिन कई बार ये लेंथी हो जाता है, तो थोड़ा सा उनसे बचने के लिए आपको चीजों को एक्स्ट्रा भी देखना पड़ेगा। ओके समझ रहे हो महाराज, एक क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन देखो ये तुम्हारे सामने रखा गया, कह रहा भाई साहब कॉमन टेंजेंट सर्कल और पैराबोला, अच्छा यानी कि दादा ये सर्कल रहा हमारा और ये पैराबोला है हमारा, ये लो कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है सर, कॉमन टेंजेंट मुझे जो डायग्राम से दिख रही है वो दो दिख रही है सर, एक ये रही यहां पर, आगे चल के फ्यूचर में कहीं कट कर रहा होगा क्या पता है, यहां भी कहीं कट कर रहा होगा, लेकिन दो तो दिख रही है सर, अरे डायग्राम पैराबोला का तो ऐसे बनता है ना, तो कहीं टच कर रहा होगा हमें नहीं पता, और तुम्हारा मन है तो करवा देते हैं टच, हेलो बच्चों की इच्छा, अरे साहब टच तो करवाओ ऐसे कैसे, ये लो तो साहब दो टेंजेंट तो हमें दिख रही हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो अब आपको थोड़ी सी आवश्यकता हो सकती है चीजों को डील करने के लिए, अरे वो क्वेश्चन कहां गया रे वो है क्वेश्चन तो पता नहीं लेकिन मुझे याद है, चलो तो दादा क्वेश्चन था हमारे पास है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, क्या क्वेश्चन था यार वो, ये कैसे अठा हमने दूसरा पेज ले लिया क्या पता नहीं, चलो तो दादा इसमें अब तुम क्या करेंगे ना, इसकी देखो लेट कर लो चीजें, लेट कर लो, लेट टेंजेंट टेंजेंट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 बाई एम, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, अब हमें अगर m की वैल्यू मिल गई तो हमारा काम सेट हो जाएगा, तो सर हम क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सर्कल अगर है और ये सर्कल सर ये टेंजेंट इसको भी टच करके जा रही है, तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी रेडियस के बराबर होनी चाहिए, अरे हाँ ये तो बहुत अच्छे तरीके से पता है साहब, तो यहां डालो 0 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 2 बाई एम अपॉन रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस 1, रेडियस कितनी है रे, रेडियस है रूट 2 देख लो, और यहां से दादा टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, यहां से आपको m की दो वैल्यू मिल जाएंगी, खत्म, m की दो वैल्यू मिलेंगी, दोनों को यहां डाल देना, दोनों टेंजेंट आपके सामने पड़ी होंगी, तो देखो मैंने कहा कई बार याद करना भी थोड़ा सा सही रहता है सर, ऐसा सर हम y इक्वल टू mx प्लस c नहीं मान सकते थे, मान सकते थे, फिर इसको अलग अलग सॉल्व करना था, पैराबोला के साथ अलग d इक्वल टू 0 करते और सर्कल के साथ अलग गेम खेलते, तब जाके m और c में एक इक्वेशन मिलती, लेकिन ठीक है थोड़ा सा याद भी कर लेंगे तो चीजें हमारे लिए ठीक ठाक सी हो सकती है राइट। ये लो द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द पॉइंट, सर लेट कर लो ना सबसे बेस्ट, लेट टेंजेंट, देखो कितना आसान है थोड़ा सा वही, अगर देखो पैराबोला अच्छी बात सर, ये पैराबोला तो किस्मत वाला है, पैराबोला वही आ रहा है जो हम हर बार उस पर रिजल्ट बना रहे हैं, हाँ जनरली वही आता है, लेकिन आप प्रोसेस सबके लिए याद रखना फिर आपको कभी डर नहीं लगेगा साहब, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 अपॉन एम, अब दादा हाँ वो कह रहा है कि जो पैराबोला हमारा है और ये पॉइंट है 1.4 सर, यहां से दो टेंजेंट निकल रहे हैं, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल बताओ सर, बहुत आसानी बता सकते हैं, ये टेंजेंट अल्टीमेटली 1.4 को सेटिस्फाई कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे साहब, तो ये आ गया 4 विच इज इक्वल टू 4m प्लस का 1 अपॉन m, थोड़ा सा चालाकी से लिखेंगे तो 4m स्क्वायर माइनस का 4m है ना और प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0, अब वो कह रहा है दादा आपसे क्या कह रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना होगा, सर मान के चलते हैं कि इसका हाँ एक रूट है m1 आएगा सॉल्व करने पे, एक रूट m2 आएगा, आइडिया ले लेते हैं सर, हाथ में पता लग जाएगा सर, एक बार आइडिया ले लेते हैं कि हम चीजों को कैसे कैसे खेल सकते हैं, y की वैल्यू 4 x की वैल्यू 1 1.4 सही है बिल्कुल ठीक है साहब, तो m1 प्लस m2 कितना आ रहा है सर, m1 प्लस m2 आ जाएगा यहां से 1 और m1 m2 कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 1/4, ये लो राइट right? अब आपको टेन थीटा पता है क्या, हाँ टेन थीटा पता है साहब, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ये लो
m1 - m2 को लिख सकते हैं m1 + m2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस का 4 m1 m2 माइनस का 4, हाँ माइनस का 4 m1 m2 यानी कि माइनस का 4 0 पता नहीं क्या हो गया। देखो दादा एक रिजल्ट ये भी होता है ना, m1 - m2 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर m1 + m2 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 m1 m2, राइट ऐसा लिखा जा सकता है क्या? हाँ सर काइंड ऑफ लिख सकते हैं ऐसा हम, राइट है ना, सम ऑफ रूट माइनस का बी अपॉन ए माइनस माइनस प्लस सही है, टी अपॉन ए 1/4 सही है, राइट, और दोनों के प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई तो सर पाई बाय 2 तो नहीं होगा कभी भी, है ना। कैसे पुट करें गलत कहां हुआ है, एक ही वैल्यू 1 है mx + a/m, तो एक 4 y की जगह पर 4 डाला, x लिया 1, एलसीएम लेंगे तो 4m2, 4m उधर जाएगा, 4m को इधर लाएंगे तो 4m2 माइनस का 4m + 1, ये भी सही है, दो रूट मान लिए m1 m2, तो सम ऑफ रूट आ गया, हाँ 4 - 4 माइनस माइनस बी अपॉन ए ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए 1/4 ये भी सही है, दोनों क्या पूछा है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, दोनों के बीच का एंगल पूछा है, तो भाई प्रोसेस तो बिल्कुल फिट है, tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 / 1 + m1 m2, राइट, तो m1 m2 को सर हम लिख सकते हैं इस तरीके से m1 + m2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 m1 m2, अब m1 + m2 के होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 1 - 4, m1 m2 की वैल्यू 1/4 है तो 0 आ रहा है, चेक कर लेना भैया कहीं गलती हो रही है मुझसे, एक बार प्रोसेस सेम है लेकिन, है ना, प्रोसेस सेम है ठीक है महाराज। चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इससे क्या समझते हैं एक बार, इसके बारे में कैसे देखना चाहेंगे चीजों को हम, तो हाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो साहब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अल्टीमेटली है तो स्ट्रेट लाइन, तो सेम दादा वही गेम है जैसे आप खेल रहे थे कि साहब ये पैराबोला है आपका, राइट, ये आपका पॉइंट है पी इस तरीके से at² है ना 280, पहले बेटा यहां से टेंजेंट निकाली जा रही थी, पहले यहां से टेंजेंट निकाली जा रही थी, अब नॉर्मल निकलेगा बस, तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की इक्वेशन सर पॉइंट है स्लोप मिल जाए तो सर टेंजेंट की इक्वेशन मुझे पता है ty = x + at², हाँ ये तो मुझे आइडिया है, तो उसका स्लोप 1/t, तो दादा इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन बेटा आपको मिलेगी y - tx + 280 + at³, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, जो कि टी में क्यूबिक आ गई, टी में क्यूबिक है और नॉर्मल किसी सर्टेन पॉइंट से पास करेगा, तो टी में क्यूबिक है तो बेटा अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 वैल्यू भी आ सकती है रियल और 1 भी आएगी, यानी कम से कम 1 रियल होगी और 3 मैक्सिमम हो सकती हैं, तो दादा 3 नॉर्मल पॉसिबल हो सकते हैं अगर चीजें देखी जाए तो, राइट। सर स्लोप फॉर्म में कैसे देखेंगे, स्लोप में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दादा, है ना, जो हमारे पास आ रहा था y = -tx बस वहीं पर उसी जगह पर माइनस टी की जगह एम डाल दिया है, बस खत्म, है ना, माइनस टी की जगह एम डाल दिया है। अब ये कुछ चीजें आपके सामने रखी गई हैं, कैसे कैसे देख सकते हैं ज्यादा, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा वैसे इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, ये वाला है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म को ज्यादा तरीके से मैं बताना चाहूंगा क्योंकि वही आपके लिए थोड़ा सा मीनिंगफुल है, तो पैरामेट्रिक का जो तरीका ये वाला, राइट, इसको ही आप याद करना, y = -tx + 280 + at³, राइट। अच्छा बेटा इसमें छोटी सी कुछ कहानी में ये भी लिख सकता हूं कि 4 पैराबोला के लिए आप याद कर सकते हैं बेटा, देखो जैसे मैं तुमसे कहूं y² = 4ax, सर इसकी इक्वेशन तो y = -tx + 280 + at³, ये लो सर, अगर मान के चलो पैराबोला हमें ये दे रखा हो तो y² = -4ax, तो y = tx हो जाएगा बस, बाकी का सेम रहेगा, है ना, क्योंकि हाँ x की जगह माइनस x हो गया बस at³, ये लो, तो ये नॉर्मल इक्वेशन डेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, थोड़ी सी मजेदार है। थर्ड की बात करी जाए x² = 4ay, अब देखो इन दोनों में क्या हुआ है सर, x को y से रिप्लेस किया गया है तो इक्वेशन वही हो जाएगी, x को y से रिप्लेस कर दो तो x = -ty + 280 और + at³, है ना, फोर्थ,
सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई हो गया तो सर वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये अपने आप में एक अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन है, वहीं से आप देख सकते हैं कि हाँ कैसे कैसे गेम सेट होगा। ये प्लस का टी वाई आ जाएगा, प्लस का 280 आ जाएगा, है ना, और प्लस का 80 क्यूब आ जाएगा, राइट। इस तरीके से तो आप इनको याद कर सकते हैं, चार रिजल्ट हैं, चारों रिजल्ट अपने आप में ठीक ठाक हैं, और याद करना और भी ज्यादा आसान है, ज्यादा कोई बहुत डिफिकल्ट है नहीं कि हमसे याद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है दादा, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, कह रहा भाई साहब इसका नॉर्मल, तो हाँ इसकी नॉर्मल की इक्वेशन तो मुझे पता है, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन तो मुझे पता है, है ना, कैसी थी सर, तो y इक्वल टू टी एक्स प्लस 280 और प्लस 80 क्यूब, ये लो, और बेटा यहां से y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हो गया ना सर खत्म। यहां से देखो कंपेयर करेंगे सर, दोनों लाइन बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, बोथ आर आइडेंटिकल, तो सर t की वैल्यू क्लियरली 1 आ गई, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, तो ये आइटम 4 के बराबर होगा, तो सर 280 प्लस 80 क्यूब विच इज इक्वल टू 4, t की वैल्यू 1 है, है ना, तो 2a प्लस a विच इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ गई सर 4/3, राइट। तो नॉर्मल तरीके से भी गेम खेल सकते हो, चार रिजल्ट दादा आप याद रखना तो आपका गेम बहुत अच्छे तरीके से सेट हो सकता है, ठीक है महाराज, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन दादा ये देख सकते हैं आप, कि वो आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है और एक पैराबोला है, तो देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसका गेम, राइट, समझना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से इसको हम सेट भी कर सकते हैं, राइट। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या 4x, a की वैल्यू 1 है, ठीक है साहब। जो सर्कल है उसके पॉइंट है 3.0, सर्कल अच्छा अंदर ही है इस बार, और ठीक है सर्कल 3.0 और 3 का स्क्वायर रेडियस 1 है, तो ठीक है सर्कल तो बहुत अंदर है, 3.0 फोकस से तो आगे ही होगा कहीं, तो महाराज ये हमारा सर्कल बन रहा है इस बार ऐसे। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला एंड द सर्कल। अरे यार देखो कितना आसान सा गेम है महाराज, आप गौर से देखना, एक चीज देखना, वो कह रहा है नॉर्मल्स की इक्वेशन बताओ जो उसकी मिनिमम हो, तो सर इसके ऊपर एक टेंजेंट खींचो और यहां एक टेंजेंट खींचो, जिस दिन ये डिस्टेंस मिनिमम होगी मुझे लगता है कि तभी उसके नॉर्मल की चर्चा उसने पूछी है। तो सर बहुत आसान है, सर बहुत आसान है, और सर हम ये भी जानते हैं सर्कल की थ्योरी तो हमसे ये भी कहती है कि अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन निकल के जा रही है तो हमेशा सेंटर से पास होगी। हाँ सही बात है रे, तो साहब मैं तुमसे कह सकता हूं कि इसका जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास होगा, ये आपका नॉर्मल है साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया नॉर्मल। सर नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी? सर इक्वेशन क्योंकि पैराबोला वैसा ही है, तो y इक्वल टू माइनस का टी एक्स प्लस का 280, a की वैल्यू 1 है, तो प्लस का 2t प्लस टी क्यूब, ये आ गया। अब दिस नॉर्मल इज पासेस थ्रू 3.0, अच्छा तो y की वैल्यू 0, ये आ गया माइनस का 3t प्लस का 2t और प्लस का t की पावर 3। सॉल्व करेंगे तो साहब t की पावर 3 इक्वल टू t, तो साहब t की वैल्यू 1 तो 0 आ गई, ये लो, है ना, और एक t की वैल्यू 1 आ गई। सर देखो तीन नॉर्मल मिल गए, सर एक t की वैल्यू माइनस में मिल गई, सर t की वैल्यू 0 मतलब ये वाला पॉइंट, तो यहां से भी एक नॉर्मल खींचा जाएगा। सर लेकिन हमने तो पढ़ा है कि नॉर्मल कभी फोकस से पास नहीं होता, हो सकता है ना, एक्सेप्ट इसके अलावा ही थ्योरी बोली जाती है। अच्छा तो साहब एक नॉर्मल तो यहां से हो जाएगा और एक होगा सर यहां पर कहीं और एक होगा सर यहां पर कहीं, ऐसे ये देखो, तो तीन नॉर्मल निकाले जा सकते हैं। और सर टी की वैल्यू 0 एक बार यहां डाल देंगे, इक्वेशन मिल जाएगी, टी की वैल्यू 1 यहां डाल देंगे, इक्वेशन मिल जाएगी टी की वैल्यू -1, आपको तीनों नॉर्मल की इक्वेशन बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी और जिसका आइडिया आपको अच्छे खासे तरीके से लग जाएगा, राइट। एक नॉर्मल का क्वेश्चन और है जो पीछे मैंने अभी छोड़ा था, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि नॉर्मल के बारे में इसने क्या कहा है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, रिसेंट ही आया था वो क्वेश्चन। हाँ ये रहा, इसको एक बार और देख लो दादा, वो कह रहा है पॉइंट P बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर C ऑफ द सर्कल। अरे वाह, और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है, तो साहब इसका डायग्राम बनाने में कोई बुराई नहीं है, डायग्राम तो बना सकते हैं साहब, ठीक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है सर, थोड़ा सा तो आइडिया लग जाएगा ठीक ठाक सा कि हाँ इसके बारे में और क्या क्या विशेष कहा जा सकता है जो अपने आप में मजेदार है। सर 0.-6 यहां पर कहीं बैठा होगा सर्कल, सर तो ये हमारा सर्कल हो गया 0.-6, ये लो, ठीक है। अब क्या बोला है उसने, अब वो कह रहा है कि साहब P कोई भी एक पॉइंट है पैराबोला पर जो सर्कल से बहुत पास में है, तो क्लियर सब तो समझ में आ रहा है कि सर पॉइंट P जो होगा
यहां पर कहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, वो कह रहा है कि दादा एक सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर सेंटर पी है और सी से पास हो रहा है, तो ठीक है साहब, यानी कुल मिला के पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मिल गए तो काम सेट हो गया रे, फिर तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा तो साहब एक काम करते हैं, पर इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एटी स्क्वायर, ए की वैल्यू है टू, तो टू टी स्क्वायर फोर टी, ठीक है सर। नॉर्मल की इक्वेशन सर ये टेंजेंट होगी और नॉर्मल हमेशा इसके परपेंडिकुलर से ऐसे सेंटर से निकल के जाएगी। सर मिनिमम वर्ग का इस्तेमाल कहां हुआ? हुआ ना इस्तेमाल, क्योंकि दादा मिनिमम के लिए ये टेंजेंट आपस में दोनों टेंजेंट बहुत पैरेलल होनी चाहिए। हाँ ठीक है सर। अच्छा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये वाली नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस का 280, ए की वैल्यू 3 है तो प्लस का 40 और प्लस का 2t क्यूब, ये लो साहब, ठीक है साहब। उसके बाद सर ये नॉर्मल की इक्वेशन 0 को माइनस 6 से पास होगी, तो x की जगह 0, y की जगह माइनस 6, तो माइनस 6 विच इज इक्वल टू 40 प्लस का 2t क्यूब, सर 2 से डिवाइड कर दो, जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो साहब ये आ जाएगा t की पावर 3 उसके बाद प्लस का 2t है ना और प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0। हिट एंड ट्रायल, सर टी की वैल्यू 1 पे तो नहीं काम कर रहा, माइनस 1 पे कर रहा है, तो टी की वैल्यू क्लियरली माइनस 1 मिल गई सर, टी की वैल्यू क्लियरली माइनस मिल गई। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल गए, माइनस 1 डालेंगे दादा तो ये आ गया 2, -4, ये लो पॉइंट पी मिल गया है ना, तो 2, -4, 2, -1, ऐसा सर्कल ऑप्शन देखो जिसके सेंटर 2, -4 है, ये कट गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2, -4, ये भी नहीं होगा, ये लो क्लियरली सर। रेडियस, रेडियस तो वैसे भी आ सकती थी पॉइंट पी, क्योंकि दादा इसको सर्कल का सेंटर बनाते हुए हमारा जो सर्कल था ऐसे निकल के जा रहा था, ठीक है सर, बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन था अपने आप में जो पीछे मैंने छोड़ा था, क्योंकि थ्योरी आने पे इसको डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा चलो साहब आगे चलते हैं, एक बार चीजों को फटाफट फटाफट आगे देखते हैं, ये बहुत पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन है, इनको आप लोग ट्राई करके लाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं, राइट, क्योंकि लंबा लेक्चर थोड़ा सा खिंच रहा है, बट ठीक है दादा, है ना, छोटी छोटी चीजों की दम पर भी हम क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। इस साल भी मेंस एडवांस में जो क्वेश्चन आए थे बहुत मिनिमम डेटा के साथ, मिनिमम जानकारी के साथ आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, राइट। आइए साहब, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल, कह रहे हैं नॉर्मल से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो ऑब्जर्वेशन है जो आपको देखनी है, तो प्रॉपर्टीज क्या है साहब? कह रहा है कि दादा देखो, अगर एक नॉर्मल किसी सर्टेन पॉइंट 80 का 281 से जा रहा है और बाद में आगे चल के वो नॉर्मल अगर पैराबोला को कट करेगा किसी पॉइंट अगेन 80 स्क्वायर 280, तो उन दोनों में जो रिलेशन आएगा वो इस तरीके का रिलेशन आएगा, हालांकि उसकी कभी आवश्यकता होती नहीं है, मतलब बहुत मिनिमम केस में होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम जानकारी से गेम सेट हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आपका मन है याद करने का तो कर सकते हैं। T2 = -T1 -2/T1, सर इसको सॉल्व कैसे करा गया है? इक्वेशन नॉर्मल की निकाली, पैराबोला के साथ सॉल्व करी, दैट्स ऑल, राइट, ओके। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, अब हालांकि ये भी बहुत लेंथी है याद करने के लिए, तो है ना बहुत लेंथी है दादा, वही कह रहा है कि अगर एक नॉर्मल यहां से निकलेगा, है ना, एक नॉर्मल यहां से निकलेगा, एक नॉर्मल ये निकलेगा, तो जब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर होगा, अगर तुम इसको याद कर पाए तो याद कर सकते हैं दादा, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, है ना, कई बार मीनिंगफुल हो सकता है लेकिन याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब भाई ऑलरेडी इतना डेटा है, हम 3-3, 4-4 सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कई बार, राइट। बट ये भी हाँ, 2a + a(t1)² (t2)² (t1)² (t2) और माइनस का a(t1)(t2)(t1+t2), इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर कई बार आपको अगर दिखे कि दादा हम इसको हिम्मत दिखा सकते हैं याद करने की, तो वो सब भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। नॉर्मल नेवर पासिस थ्रू फोकस अदर देन द एक्सिस, ये तो हम जानते ही हैं साहब, है ना, ये तो हम जानते ही हैं सर, ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है इसको, हाँ ये रिजल्ट थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक ठाक है कि साहब देखो, अगर आपके एक पैराबोला है इस तरीके से, राइट, इस तरीके से पैराबोला है, यहां से सर एक टेंजेंट निकाली गई इस तरीके से, ऐसे ये टेंजेंट निकाली गई, मेड द पैराबोला पी एस बी द फोकस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट पी, ठीक है पॉइंट पी है दादा, ये यहां से नॉर्मल भी निकाला गया, ये फिर उसने बोला है एक्सिस, एक्सिस टी पे कट कर रही है आगे चल के, एंड एन एन नॉर्मल है आपका ये वाला, राइट, फोकस यहां कहीं होगा इस तरीके से, तो उसने कहा है कि एस टी
राइट, एस पी और एस एन ये वैल्यू बराबर होती है, तो दादा ये रिजल्ट आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इसका प्रूफ भी आसान है अपने आप में, ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर याद रह गया तो वेल एंड गुड, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कई बार हमें बहुत ज्यादा कुछ अच्छा खासी बता सकते हैं कि दादा हाँ ये कैसे कैसे गेम होता है और कैसे कैसे आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है 2011 का क्वेश्चन है, लेट एल बी द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला, एल पासेस थ्रू द पॉइंट 9.6, देन एल इज गिवन बाय, सेम वही तरीका बेटा है ना, सेम वही तरीका है, आप ज्यादा चक्करों में मत पड़ना, सेम नॉर्मल अप्रोच है कि हाँ साहब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस टू टी प्लस टी क्यू, क्योंकि एक ही वैल्यू वन है सर, दिस पासिस थ्रू 9.6 है ना, 9.6 तो साहब ये आ गया अपने पास 6 विच इज इक्वल टू माइनस का 90 प्लस का 2t और प्लस का t की पावर 3, ये लो साहब सॉल्व करेंगे तो t की पावर 3 और माइनस का 70 माइनस का 6 विच इज इक्वल टू 0, हिट एंड ट्रायल, और हिट एंड ट्रायल में ज्यादा नहीं सोचना आपको, 0 1 2 3 और 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बस इतना ही सोचना है और उतने से हमारी कहानी सेट हो जाएगी, है ना। तो जैसे t की वैल्यू मैंने 1 डाली तो 1 पे काम शायद नहीं चल रहा है ना, माइनस 1 डाली एक बार तो माइनस 1 डालेंगे तो साहब माइनस 1 माइनस यानी प्लस 7 हो जाएगा ये और माइनस का 6 हो जाएगा, हाँ तो सब देखो माइनस पे काम कर गया, t इक्वल टू माइनस 1 पे काम कर गया, तो t इक्वल टू माइनस 1 पे काम दादा ये कर गया राइट। अब हमने t इक्वल टू माइनस 1 देखा, और भी तो रिजल्ट हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं सर, और भी t की वैल्यू आ सकती है, तो एक बार t की वैल्यू माइनस 1 डालो यहाँ, तो t इक्वल टू एक्स और माइनस 3 y इक्वल टू एक्स, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, हाँ एक ऑप्शन दिया है ये रहा, ये लो एक ऑप्शन तो दिया है, लेकिन हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चन हो तो t की वैल्यू और भी आ सकती है, तो t की वैल्यू और भी आ सकते हैं, t की पावर 3 सर डिवाइड कर देते हैं माइनस का t स्क्वायर है ना और प्लस का t स्क्वायर माइनस का t, ठीक है दादा माइनस का 6t और माइनस का सर t प्लस 1 कॉमन लेना है मुझे, t प्लस 1 एक सेकंड t प्लस 1, तो t की पावर 3 प्लस का t स्क्वायर है ना माइनस का t स्क्वायर और माइनस टी, ये आ जाएगा माइनस का, यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो टी प्लस वन, यहाँ से माइनस टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो माइनस का टी कॉमन लेंगे तो टी प्लस वन और माइनस का 60 माइनस का 6 हो गया। तो दादा अपने पास टी प्लस वन इक्वेशन एक बाहर निकल के आ गई, ये भी एक अप्रोच है ना, टी स्क्वायर और माइनस का टी और माइनस का 6, ये लो साहब विच इज इक्वल टू 0, और भी आंसर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही नॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल 3 हो सकते हैं, मैंने बताया था आपको, क्योंकि क्यूबिक है, ठीक है साहब। तो t इक्वल टू सर 6 के ऐसे वेक्टर इनका अंतर 1 हो है ना 3, तो साहब ये आ जाएगा t माइनस का 3 और t प्लस का 2, वाओ t की एग्जैक्ट 3 वैल्यू मिल गई दादा आपको, t की वैल्यू एक माइनस 1 मिल गई, t की वैल्यू दादा आपको एक 2 मिल गई है ना माइनस 2 मिल गई और t की वैल्यू एक आपको 3 मिल गई, ये तीनों ऑप्शन आप यहां डाल के देख लेना, आपको आंसर मैच कर जाएंगे और आप वही आपकी कहानी होगी। तो नॉर्मल तरीके से ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तोप चल गई सर, को नॉर्मल क्या होता है, जो दादा हमारे मैक्सिमम 3 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं, उन तीन नॉर्मल मैक्सिमम जो 3 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं, ठीक है दादा। देखो मैक्सिमम 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड देयर फीट, अच्छा उनके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब है ना वेयर द नॉर्मल मीट द पैराबोला, ठीक है दादा, उनको को नॉर्मल्स बोलते हैं। जैसे अब हालांकि इस वर्ड की कई बार जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है समझ लो आप, पॉइंट ए बी और सी जो पैराबोला पे नॉर्मल खींचे जा रहे हैं उनको को नॉर्मल्स के बारे में थोड़ा सा कुछ कह जा सकता है कि हाँ भैया ये को नॉर्मल्स हैं और उनको आप ऐसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी कहानी आती है इक्वल टू को नॉर्मल्स, को नॉर्मल्स के बारे में आप क्या क्या कह सकते हैं, तो दादा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मान के चलो हमारा नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल की इक्वेशन ले ली और ये नॉर्मल की इक्वेशन पास कर रही है किसी 13.h, k से, तो उसको थोड़ा देखेंगे तो साहब ये आ गया k विच इज इक्वल टू माइनस का टी एच प्लस का 2at प्लस का at क्यूब, थोड़ा सजा के लिखेंगे सर इसको, तो at क्यूब राइट, हाँ फिर उसके बाद प्लस का सर यहां से टी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2a माइनस एच राइट और माइनस का k विच इज इक्वल टू 0। बच्चों ये t में क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब वो आपसे कह रहा है कि अगर 3 नॉर्मल हैं तो इसके रूट कितने होंगे t1 t2 t3, भाई इसके रूट कितने होंगे t1 t2 t3, हाँ सही बात है अगर 3 नॉर्मल है तो सम ऑफ रूट कितना आएगा 0, तो भाई उसने बोला है कि एलजेब्रिक सम ऑफ द स्लोप कौन करें 3 नॉर्मल से 0, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ठीक है t1 t2 t3 सम ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, सम ऑफ रूट कितना आ गया दादा 0, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर तो है ही नहीं और जब नहीं है तो उसको हम 0 लेट कर लेंगे और यही गेम है, इसी तरीके से कहानी यहां पर थोड़ी सी दिखाई जाएगी आपको राइट।
अच्छा दूसरा प्रॉपर्टी है नॉर्मल की दादा कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द फिट ऑफ द नॉर्मल इज जीरो। हाँ वो भी सही है क्योंकि दादा देखो नॉर्मल के जो ऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, यही तो होंगे 281, 282 और 283, यही होंगे। इन तीनों का जो सम होगा वो तो जीरो होगा क्योंकि T1 plus T2 plus T3 कितना है जीरो। तो ये नॉर्मल नॉर्मल कहानी यहां से कही जा सकती है, वही रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता है, इसको तो बहुत नॉर्मल तरीके से भी आप खेल सकते हैं, राइट। अच्छा ये थोड़ा एक सही गेम है कि दादा सर्कल और अगर उसकी बात करें हम पैराबोला की तो मैक्सिमम चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ सकते हैं, देखो मैक्सिमम चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ सकते हैं सर्कल और नॉर्मल की बात कर करी जाए तो, राइट। द नॉर्मल एट वन एंड फोकल कॉर्ड इज पैरेलल टू द टेंजेंट टू द अदर, ठीक है। कई बार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साहब यहां से नॉर्मल निकाला गया, ये वाला नॉर्मल, राइट, ये आपकी टेंजेंट है और यहां से ये नॉर्मल, तो टेंजेंट इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा डायरेक्ट्रिक्स पे कई बार लाई कर सकता है, राइट। उसी तरीके चीजें यहां पर बताई गई, बट ये दादा मैं ज्यादा रिजल्ट के चक्कर में आपको घुसाऊंगा नहीं। सर डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल तो हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा लोकस है जहां से टेंजेंट, दो टेंजेंट किसी कर्व पर निकाली जाए तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो वही गेम है दादा। पैराबोला पर अगर पैराबोला की बात करी जाए तो इस बार डायरेक्टर सर्कल होगा उसकी डायरेक्ट्रिक्स, यहां से तुम कोई भी दो पॉइंट निकालो, कोई भी दो पॉइंट, उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, है ना। तो पैराबोला के लिए, पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल सर्कल ना होकर स्ट्रेट लाइन है, तो डायरेक्टर सर्कल से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर्कल ही आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या आ गया डायरेक्ट्रिक्स, है ना, इसमें आ गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है दादा। अच्छा ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना दादा, आप अच्छा तरीके जानते हैं कि अगर एक पॉइंट, ये पुरानी थ्योरी से आए हैं कि अगर दो पॉइंट हैं इस तरीके से और इनको जोड़ा जाए तो साहब इसकी इक्वेशन होगी टी इक्वल टू जीरो, है ना, टी इक्वल टू जीरो, वही सेम अप्रोच सर्कल में हम करते थे। तीन चार रिजल्ट तो हमेशा सेम ही चलते हैं उसी तरीके से और सेम कहानी पर, एक टी इक्वल टू एस वन आएगा दादा। जैसे ये अगर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करी जाए, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करी जाए, अगर मिड पॉइंट टी के द्वारा कोई पॉइंट तो टी इक्वल टू एस वन, याद है, हाँ, तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की क्वेश्चन निकाल सकते हैं व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, ठीक है साहब, व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट ये थोड़ा सा मीनिंगफुल है, यहां से थोड़ी चीजें देखी जा सकती हैं जो अपने आप में ठीक ठाक भी है और मजेदार भी है, राइट। तो उसको महाराज एक बार आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है और कैसे कैसे कहानी है। टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज एंड फोकल कॉर्ड, ये तो हम जानते ही है कि, ठीक है साहब, दैट इज लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डायरेक्ट्रिक्स, हाँ ये हम जानते हैं दादा, है ना। ये देखो तो डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसा पॉइंट है जहां से तुम कोई भी दो टेंजेंट निकालो तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, राइट, ठीक है साहब। ये तीन चार बातें यहां पर दे रखी हैं, सेम देखो वही चीज है इसमें भी, एस टी एस जी और एस पी, एस टी एस जी एस पी और एस टी तीनों बराबर हैं, वो तो हम पहले भी नॉर्मल के साथ भी देख चुके हैं। पी एस के इज द राइट एंगल, पी एस के, हाँ, यानी कि दादा टेंजेंट के द्वारा जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट, टेंजेंट आगे चल के अगर एक्सिस पे कहीं कट कर रही है, राइट, वेयर केस द पॉइंट ऑफ द वे टेंजेंट एट पी मीट द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है दादा। जैसे मैं आपसे बोलूं, देखो अगर ये टेंजेंट आपने यहां पर निकाली तो ये पॉइंट है के, तो पी के जो है ना ये एस पर एक 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं, ये अच्छा रिजल्ट है अपने आप में, अगर चाहें तो इसको याद कर सकते हो, राइट, ठीक है साहब। टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस ऑफ फोकल डिस्टेंस, ठीक है साहब, हाँ ये तो हम जानते भी हैं कि पी एस और पी एम, क्योंकि इसी तरीके से चीजें बनती हैं वहां पर, राइट। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की अगर चर्चा यहां पर रखी जाए, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, तो दादा जैसा कि मैंने बताया पैराबोला की जो ज्यादा आवश्यकता वाली चीज थी, सबसे ज्यादा खतरनाक जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। जैसे देखो फोकस से आप कोई भी एक्टिविटी करो, है ना, फोकस से अगर रेज जाएगी दादा, या कोई भी एक रेज आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ला रहे हैं इस तरीके से, तो यहां इसके कर्व पे टकरा के फोकस पे आ जाएगी, वो यही नियम है ना। जैसे आपने मान के चलो ये रेज है एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आ रही है, जैसे आप इसको थोड़ा ऐसे देखो, ऐसे अगर आपको पैराबोला है और दिस इज द एक्सिस, एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रेज आप फेंको इधर, जितनी भी रेज फेंकेंगे दादा आप, ये सारी रेज टकरा टकरा के फोकस पे आ जाएंगी सब, और इसी से आप चीजों को, आपको याद आ रहा होगा कि हाँ हमारा जो एक लाइट का कॉन्सेप्ट होता है, हमारी जो गाड़ियों में लाइट होती है वो एक पैराबोलॉइड कर्व होती है, तभी तो दादा वो लाइट बल्ब जलता है, तो वो क्या कर देता है। अब जैसे फोकस पे तुम कोई भी एक्टिविटी करो, है ना, आपने यहां फोकस पे एक बल्ब जला दिया इस तरीके से, तो ये क्या करेगा,
ये टकरा के सीधा एक्सिस के पैरेलल फेंकेगा बाहर, ऐसे फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा, तभी तो लंबी लाइट जाती है वो। तो ये पैराबोला ने तो दिया था, इसे पैराबोला ने तो बताया था कि हाँ साहब ऐसे ऐसी कहानी भी कुछ होती है, राइट। ठीक है साहब, चलो भाई, तो बस हो गया नॉर्मल। ठीक है दादा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच। जब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें, एक बार या और दादा एक आवाज तो बहुत अच्छी से बोलनी है, एक दो तीन हल्ला बोल, ये आइटम तो बोलने का, राइट। चलो भाई, एक दो तीन हल्ला बोल, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।